करेंगे। जब खूब गर्म हो जाएगा फिर उसके अंदर में अदरक प्याज टमाटर जीरा डाल करके उसको खूब भूनेंगे, दे तड़के पे तड़का, दे तड़के खूब घुमा 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 उसको लाल करके जला देंगे। जब पूरी तरह वो जल गया यानी मर गया, पूरी तरह जब वो मर गया और मरने के बाद फिर उसमें सब्जी डालेंगे, फिर उसको मारेंगे, उसको जलाएंगे। अब आप देखो जो कैल्शियम आयरन फास्फोरस विटामिन ए बी सी डी पी के जितने भी विटामिन है ये ताप को बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये ताप में जल जाते हैं सारे। अब उन तत्वों की हमारे को ज़रूरत है, ताकत तो उन्हीं से मिलती है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं ये विटामिन और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो सूक्ष्म तत्व है और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो घी तेल मक्खन वगैरह कार्बोहाइड्रेट से थोड़े हैवी भारी जो न्यूट्रिशन होता है भोजन में, वो दोनों चीज़ें जो होती हैं वो जैसे उसमें बनी हुई हैं फलों में सब्जियां, वो वैसे ही हम खाएंगे तो हमें मिलते हैं ना, उसको हमने जैसे ही डाला उस पर तैसे ही सारी जल गई। कई लोग मैंने देखा, हम भी करते थे ऐसे घर के अंदर, जो सूखी सब्जी माता ही कभी हम बाहर जाते कहते सूखी सब्जी बना देती हूँ बाहर जाके, पानी वाली नहीं है क्योंकि डिब्बा डुब्बा कोई होता नहीं था, हम लोग कहीं नौकरी करने जाते थे तो वो क्या करती थी सूखी सब्जी उसको भून 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 करके ना सूखी बनाए सारा पानी सुखा देती थी, सारा पानी सुखा करके दो रोटियां नीचे बीच में सब्जी ऊपर रख करके बांध देती उसमें, चलो जी सूखी सब्जी खा लेना, और हम खा लेते, क्या पता था हमें अकल तो थी नहीं, रोटी खा ले सूखी सब्जी बनू। अब सूखी सब्जी कुछ खाने के लिए तो है नहीं, सारी चीज़ तो जल गई, सारी चीज़ तो मर गई, उसमें तकता कर कहाँ से आती। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारी चीज़ें गलत करते हैं और गलत करने के कारण फिर हम दुखी होकर के दुनिया के अंदर में तड़पते बिलखते करते। मैंने भी बहुत धक्के खाए जीवन के अंदर, बहुत धक्के खाए, कुछ नहीं मिला किसी के पास भी, सारे क्वालिफाइड डॉक्टर भी देखे कुछ भी नहीं मिला। तो जो कुछ गुरु जी ने दिया वो आपके सामने है, जो कुछ भी दिया। सो इसलिए हमें इन चीज़ों को समझना है, सारी चीज़ों को समझ करना है। सब्जी जो है कैसे बनानी है कौन बताएगा आप में से, सब्जियां कैसे बनाते हैं कोई आप में से बताएगा, जिनको बनाई है वो बताएंगे ताकि आप लोगों को बोलने की समझ आए और आपको कुछ आगे बढ़े सब लोग। एक व्यक्ति अगर सीख गया बोलने की समझ आ गई तो बाकी सारे सीखें, अगर वही व्यक्ति बोलते रहेंगे तो फिर बाकी कहाँ से सीखेंगे। इसलिए आप में से जो व्यक्ति को सीखे बताइए वो बताएं किसको सब्जी बनानी आती। तो सब्जियों में खाद आई हुई है, सबसे पहले सब्जियों को भिगो दें, जिसकी भी मान लीजिए आपने गोभी बनानी है, गोभी को पहले भिगो दें, पानी में भिगो दें ताकि उसके सारे पेस्टिसाइड्स निकल जाएं। खाद वगैरह जो है एक दो घंटा पहले भिगो देनी चाहिए उसको, और पत्तेदार सब्जियों को दो घंटे पहले नहीं, आधा घंटा पहले काफ़ी होता है। जैसे पालक है मेथी बथुआ, इनको आधा घंटा पहले भिगो दें ताकि इनकी सारी खाद निकल जाए। गोभी की सब्जी के लिए जैसे आपने गोभी को काट लिया, उसके बाद थोड़ा सा उसमें पानी निकाल दिया धोने के बाद, काटने के बाद उसमें कम आलू डालेंगे। आलू आप रूटीन में कम यूज़ करें, गोभी की मात्रा ज़्यादा रखें। फिर उसके बाद छोटी छोटी पीसीस करने के बाद आपको दोबारा नहीं धोना, एक बार धो दिया, अगर लगता है कि कीड़ा वगैरह है तो थोड़ा सा उसको देख लें, उसको फेंक दें, लेकिन उसको दोबारा धो धोकर उसके सारे विटामिन खनिज लवण मत खराब करें। उसके बाद आपने एल्युमिनियम के कुकर को अवॉइड करना है, एल्युमिनियम कोशिश करें कि रसोई में हमारे लिए घातक है, स्टील को यूज़ करें ज़्यादातर। अगर फिर भी यूज़ करना है तो उसमें आप सब्जी डालेंगे, सबसे पहले घी या तेल नहीं डालेंगे। ज़्यादातर अभी तक यही कर रहे हैं सब, है कोई ऐसा जो सबसे पहले जो है सब्जी को डाल रहा है कुकर में? हाँ, जो जिनको नॉलेज हो गई है वो तो कर रहे हैं, अब सही हो गए हैं, लेकिन आम घरों में यही किया जाता है। सबसे पहले सरसों का तेल रिफाइंड, कितने घरों में रिफाइंड यूज़ कर रहे हैं अभी भी, हाथ खड़ा करें, शर्म नहीं है, ये हमारा परिवार है, कोई शर्म नहीं है। सबसे पहले तो ये बंद कर दें, रिफाइंड का मतलब समझते हैं आप? नाम तो पता है हमें लेकिन उसका मीनिंग नहीं पता, रिफाइंड का मतलब क्या है? रिफाइंड का मतलब छान छान कर, हाँ जी हाँ जी, साफ किया हुआ। क्या साफ कर दिया उसके अंदर से, मतलब बेकार चीजें साफ की या अच्छी भी कर दी?
सब कुछ निकाल दिया, फिर भी हम देखो कितनी मूर्खता कर रहे हैं। मतलब सब कुछ निकाल दिया उसके अंदर से, खनिज लवण निकाल दिए, बेकार चीज़ें निकाल दिए, फिर भी हम इतनी मूर्खता कर रहे हैं, हम रसोई में ला रहे हैं और उसकी परांठी खा रहे हैं, सब्जियों में डाल रहे हैं। तो सबसे बड़ी मूर्खता ये बंद कर दें कि रिफाइंड को घर में नहीं लाना, डालडा को घर में नहीं लाना। अगर जैसे गुरुजी ने बताया है तेल का यूज़ करना है तो तिल का तेल, फिर भी चलो सरसों का तेल फिर भी ठीक है, लेकिन अपने सामने निकलवाया हुआ वो भी, तिल का तेल सबसे सर्वोत्तम। फिर आप जो सब्जी डालेंगे कुकर में, मैंने बताया सबसे पहले स्टील सबसे बढ़िया है, अगर फिर भी एल्यूमिनियम यूज़ कर रहे हैं चलो ठीक है, तेल नहीं डालना सबसे पहले, सब्जी डाल दें। गोभी की सब्जी डाली, आलू को धो लिया, आलू डाल दिए, उसके बाद आपने हल्दी नमक कोई एक्स्ट्रा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर को ग्राइंड करो, टमाटर जो भी आप चीज़ें डालते हो, प्याज को छोटा छोटा बारीक बारीक काटना है, कहीं गोभी में नहीं डालते प्याज, टमाटर टमाटर डालते हैं, तो टमाटर को ग्राइंड करो, ऊपर से वो भी डाल दो, भूनना नहीं है, ये गलती करते हैं। तेल में जो भूनते हैं जीरा वगैरह डालते हैं वो नहीं भूनना, जीरे को भूनकर डिब्बी में रख लें सेक कर, अजवाइन को सेक कर रख लें डिब्बी में ताकि वो फूल कर हो जाए हमारे पास, जो कि कड़वाहट लगती है सब्जी में कच्ची, तो वो रख लें डिब्बियों में भर कर अलग से। फिर जब भी आप सब्जी बनाएंगे नमक, जो हरी मिर्च है, लाल मिर्च रसोई में यूज़ नहीं करनी, देगी मिर्च यूज़ नहीं करनी, सब में केमिकल है। उस सब्जी को आप खाएंगे और दूसरे वाली सब्जी, फ्राइड सब्जी को खाएंगे, बच्चे और आपके हस्बैंड बता भी नहीं पाएंगे किस तरीके से आपने बनाई है। अगर आप तरीके से सब्जी बनाएंगे, टमाटर से कलर लाओ ना, टमाटर कोकोनट को पकाते नहीं हैं, कोकोनट की गिरी को हम बाद में डालते हैं, तो पकाने के लिए आपने तेल डाला, नमक, हल्दी, टमाटर को ग्राइंड किया, गोभी, आलू, ये सब पकाने के लिए डाल दिया, ऊपर से तिल का तेल डाल दिया थोड़ी सी मात्रा में, जैसे हम बहुत सारी मात्रा में डालते हैं वो नहीं डालना, कम मात्रा में डालना है, उससे चिकनाई आ जाएगी सब्जी में, और बीमार व्यक्ति को तो अलग भोजन बताते हैं, ये एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए है, ठीक है। तो ये बॉयल करना है आपको, जीरा वगैरह डाल दिया, अगर अजवाइन जिस सब्जी में डलती है तो अजवाइन डाल देंगे, फिर बंद कर दीजिए और कम बिसल लगाइए, बहुत ज़्यादा उसको बॉयल नहीं करना। फिर उसके बाद आपने नारियल गिरी यूज़ करनी है, या तो बारीक काट लें या फिर मिक्सी में ग्राइंड कर लें, फिर उसके बाद सब्जी में डाल दें, उसका फ्लेवर आप ऐसे देखेंगे जैसे शाही पनीर की सब्जी का फ्लेवर है। ये फ्लेवर की सब्जी आप घर में खाएंगे, आपके घर में कोई मेहमान भी बता नहीं पाएगा कि किस तरीके से आपने सब्जी बनाई है। समझ आई सबको? तो आपने तेल को भून, तेल भून भून के जला जला के खुद की आंतें खराब नहीं करनी, चेंज कर दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि रसोई में जो गृहिणी है वो घर को संभालती है, वो पूरे परिवार को संभालती है, स्वास्थ्य को संभालती है, होम मिनिस्टर, ठीक है ना। तो हम होम मिनिस्टर हैं तो कम से कम अपने नाम को खराब ना करें, सबके स्वास्थ्य की जिम्मेवारी है हमारी, तो सारे परिवार को और मेहमानों को भी सिखाएं, आपके घर में जो भी आते हैं उनको भी इस तरीके से सिखाएं, कोई पौष्टिक गुण खराब नहीं किया हमने और स्वाद भी अच्छा रहा, ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग आप विचार करो कि कितना जो है विनाश की ओर गए हैं। अच्छा भला तेल खाते थे, जैसा कोल्हू से निकलता था तो तकड़े थे, रिफाइंड खाओ ब्लड प्रेशर नहीं होगा, रिफाइंड खाओ हार्ट अटैक नहीं आएंगे, और अंधे होकर के हमने उनको खाना शुरू कर दिया और खा खा कर उल्टे और ज़्यादा बड़ा हार्ट अटैक आने शुरू, बताओ क्या करो, किसकी बात सुनो। जिसके पास जाते हैं दुख लेकर के, दो चार दुख और आ जाते हैं और पैसा भी चला जाता है। तो जो उसके अंदर में तत्व दिए ईश्वर ने भरे हैं स्वस्थ को, शरीर को स्वस्थ करने के लिए, वो सारे निकाल करके उसको हम रिफाइंड कह रहे हैं। वहाँ रिफाइंड मतलब के सारे तत्व निकाल के रिफाइंड कर दिए, खोखला रह गया वो, उसको खा लो। सो इसलिए जो है संसार के अंदर में यही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा हमारे को, इसीलिए संसार दुखी है सारे उनके अंदर। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया
गुरुबिन कौर अंधार। अगर गुरु जी ये रास्ता ना बताते तो हम मूर्खों को कहाँ पता चलना, सारी उम्र ऐसे ऐसे भटकते मर गए, मर जाते अंधकार में। सो इसलिए जो चीज़ें भोजन को सब्जियों को इस तरीके से बना करके आप खाएंगे तो उसके न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे और स्वाद भी पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें स्वाद नहीं है। मैं जो था, मेरे पेट में इतनी गर्मी थी, मसालों के खाता था तो मसालों में, जब मैं भोजन खाता था तीन तीन गिलास पानी पी जाता था, इतनी अंदर में आग लगी थी, मसालों की इतनी गर्मी थी, तीन तीन गिलास पानी पीता था भोजन के साथ, तब जाकर कहीं शांत होती थी, इतनी गर्मी, जलन होती थी पेट के अंदर। अब आप देख लो, अभी जाक मैं पानी पूरा दिन भर, क्या कभी पानी तो पीता ही नहीं हूँ, जरूरत नहीं पड़ती पानी पीने, क्योंकि हर चीज़ में पानी है। सलाद आपने खाया भी उसमें पानी है, वो पानी जितना इतना शीतल है और इतना श्रेष्ठ क्वालिटी का पानी है, ईश्वर का पानी है, सब फिल्टर किया हुआ सूर्य की रोशनी से, और उससे क्या सारे अंदर तृप्त कर देता पानी। आपको प्यास दोबारा लगेगी नहीं। मैं कहीं जाता हूँ किसी, वो कहते पानी तो पी लो, मैं कहता हूँ जरूरत ही नहीं, तो फिर काहे के लिए, प्यास ही नहीं है, जब लगती ही नहीं प्यास। और लोग जो है बोतल डाल करके उसके अंदर में रखे हैं, घड़ी घड़ी पानी पीते रहे घड़ी, या तो उनको कोई कह देता है डॉक्टर भी पानी पीते रहो सारा दिन, तो पानी पीते रहते हैं सारा दिन। और बोतलों का पानी भी जो है वो सारा जो है ये मिनरल वाटर कहते जो आता है, वास्तव में वो पता नहीं 6 महीने का बंद है, 2 महीने का बंद है, वो भी सारा पानी बंद रहता है। जो भी चीज़ बंद हो जाती है बोतलों के अंदर में, उसके अंदर बैक्टीरिया आ जाता है। कुआं था हमारे कुएं के अंदर में पानी, जिस कुएं को चलाते नहीं थे, कुएं से पानी नहीं निकालते थे, उस कुएं का पानी सारा गंदा हो जाता है, उसमें से कोई पानी नहीं पीता था, क्योंकि वो पड़ा एक एक जगह पड़ा हुआ, हालांकि खुला है वो, तब भी उस कुएं का पानी नहीं पीते थे लोग। जिस कुएं में से पानी रोज निकालते थे, रोज चलता था कुआं, उसका पानी पीते थे, क्योंकि वो पानी नया आ रहा है, जा रहा, आ रहा, जा रहा। ऐसे ही हम बोतलों के अंदर में जो पानी बंद करके रखा पड़ा हुआ है, वो 2 महीने का, 15 दिन का, महीने का, वो सारा जितना भी है उसके अंदर जम्स आ जाते हैं, वो सारा पानी पीने के योग्य नहीं है, जिसको हम लोग 10-10, 20-20 रुपए लीटर जो है खरीद करके पीते हैं हम लोग, और सोचते हैं हम बहुत बढ़िया पानी पी रहे हैं, बहुत शुद्ध पी रहे हैं, बहुत हाइजीनिक चीज़ों से पी रहे हैं। ये हमारे दिमाग में घुसी हुई बात है। सो हम लोग जो भी इस समय विनाश की ओर जा रहे हैं अज्ञानतावश, उन सब चीज़ों को हमने सुधार करना है, तभी हमारे स्वस्थ का, समाज का, देश का, विश्व का सुधार होगा, वरना तो और ज़्यादा विनाश होने वाला और हो रहा है। तो खाने पीने की चीज़ में जो पट्टियाँ आती हैं बाजार की, गुड़ की, उनमें भी चीनी मिली होती है, जो रेवड़ियाँ आती हैं उनके अंदर में भी मार्बल का चूरा और बहुत सारी गंदी चीज़ें मिली होती हैं, उन चीज़ों को बच्चों को नहीं खिलानी। जो चीज़ें मन के आइए, पट्टी खिलानी है आपको गुड़ की, तो आप घर में खरब खुद बना कर खिला दीजिए। टॉफियां वो बना करके लाई थी अनीता, पढ़ी हैं क्या? पढ़ी हैं टॉफियां, वो थोड़ी बच्चों खा लेना, आपको सबको एक एक आ जाए वो टॉफी खा लेना, खजूर की टॉफी बहुत बढ़िया बना करके लाई थी, खजूर की टॉफी जो थी, उसके अंदर में खजूर के अंदर से बीज निकाल के उसके अंदर एक बादाम भर दो, अखरोट उसके अंदर थोड़ा सा भर दो, भर के उसको रैप कर दो बच्चों को। हम बच्चों को जैसी आते बना देंगे वैसी आते बन जाती हैं बच्चों की, क्योंकि बच्चे तो एक कोरा कागज होते हैं, एक मिट्टी है, एक मिट्टी को जैसे आप चीज़ बनाओगे वैसी चीज़ बन जाती है। कच्चे घड़े को आप थोड़ा थोड़ा टोक करके अगर उसमें कोई खोट है तो कर लो, आराम से हो जाता, पकने के बाद फिर मुश्किल है। ऐसे ही बच्चों को हम लोग जो है अभी से बचपन से ही उनको सुधार करेंगे तो जल्दी बच्चे सीखते हैं। बल्कि जो बच्चे यहाँ आते हैं अपनी माताओं के साथ, कुछ लोग यहाँ जुड़े हुए हैं अपनी माताओं के साथ, जो लोग यहाँ आते हैं बच्चे, उनके माताएं बताती हैं कि हमारे बच्चे घर जाके कहते हैं नहीं हमें ये नहीं खाना, वहाँ बताया गया, तो मैंने उसे कितनी जल्दी लर्न करते हैं, कितनी जल्दी बच्चे सीखते हैं, मगर बच्चों को लाते नहीं हम लोग यहाँ पर। तो घर के जो है, जो घर के अंदर हमारे बच्चे हैं वो ऐसे माहौल में फंसे हुए हैं, वो सोचते हैं कि बस वहाँ पर क्या मिलेगा आश्रम के अंदर में जा करके, वहाँ बुढ़े बुढ़े लोगों को भेज देते हैं, जाओ तुम अपने घुटनों का इलाज करा लो, क्योंकि खाम खामे घर के अंदर परेशान करते हैं, उनको सेवा करनी पड़ती है कि चलो जी दर्शन आश्रम फ्री है, वहाँ इनको भर्ती करा दो, अपने आप पड़े रहेंगे वहाँ पर, मर भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, मर भी जाएंगे तो मरना तो उन्होंने था ही, बुढ़े बुढ़ों को वहाँ भेज दो, इसलिए बुढ़े बुढ़े लोग यहाँ आ जाते हैं
और वो नौजवान लोग खूब खाते हैं, मौज मस्ती करते हैं कभी उधर, जब वो बुढ़े होंगे फिर आएंगे। एक खड्डे के अंदर में हम लोग जा करके गिर गए हैं, हमारा कोई परिवार का सदस्य गिर गया, तो हम वो क्या करेंगे, परिवार के सदस्य को खड्डे से निकालने की कोशिश करते हैं और बाकी को बचाएंगे नहीं कि तुम मत गिरना जाके, वो खड्डा वहीं का वहीं है, बाकी भी जाके वहाँ गिरते फिर उनको निकालेंगे, ये हमारी विचारधारा। अगर हमारे परिवार में से बुजुर्ग दुखी हैं, बीमार हैं इससे, और वो प्राकृतिक शिक्षा द्वारा ठीक हुए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उस सारी चीज़ों को, खड्डों को भरें, ताकि हम क्या, कोई भी दूसरा भी आ जाए, अगर रोड के ऊपर कोई खड्डा है, हम उसके अंदर गिर गए हैं, या कोई पत्थर पड़ा हुआ है जिससे हमें चोट आई है, तो हमारा फर्ज बनता है कि उस पत्थर को उठा के हम साइड में रखें और उस खड्डे को भर दें, ताकि पीछे आने वाला कोई व्यक्ति उसमें ना गिरे। अगर हम ये सोचते हैं चल हम निकल गए, हमें क्या लेना देना, दूसरा आएगा, दूसरा गिरेगा, अपने आप निकलेगा, तो ये हमारी भावना गलत है और हम लोग देश समाज को नीचे गिरा रहे हैं और इसका खामियाजा हमें भी भोगना पड़ता है। हमारे परिवार के बच्चे जो है वो दुखी होते हैं, तो हम भी दुखी होते हैं साथ में। अभी बहुत सारे जो लोग माताएं ने यहाँ सीख लिया आकर के और उनके बच्चे नहीं मानते, वो भी दुखी हैं अपनी आंखों के सामने। एक व्यक्ति तो मुझे आकर कहने लगा, गुरुजी मेरे को तो बहुत टेंशन हो गई, और मैं बड़ा हैरान, जब भी कोई मेरे पास आता है ना दूर से, मैं देख लेता हूँ, मुझे पता है कुछ ना कुछ कहना ही है, वो दुखी लेके आया होगा, कुछ सुख तो लेके आता नहीं मेरे पास, तो मैं पहले देख लेता हूँ भाई कुछ ना कुछ आके दुखी बताएगा, बताओ भैया क्या दुख है, मैं तैयारी कर लेता हूँ दुख पूछने के लिए, उसकी बीमारी रोग। वो कहता जी मेरे को तो बहुत टेंशन होगी। मैंने कहा क्या टेंशन होगी तेरे को, मैंने सोचा पता नहीं मेरी कुछ वजह से कारण कुछ गड़बड़ हो गया। कहता जी क्या बताऊँ, जब से मैंने यहाँ सीखा है ना ये खाना पीना, मैंने तो दिया छोड़, अब मेरा भाई और वो दो खाते हैं, वो नहीं मानते, अब जब वो खाते हैं तो मेरे को टेंशन हो जाती है कि ये बीमार होके मरेंगे। कहता मेरे को अब टेंशन होगी बीमार होके मरेंगे, अब वो मानते नहीं है बात। सो एक एक्चुअल में क्या है बात, बात उनकी भी ठीक है जो नहीं मानते हैं, क्योंकि आप लोग जब उन परिवार वालों के साथ ही तो आज तक खाते रहे हैं, अब यहाँ से सीख के एकदम जा करके उनको कहे हम डॉक्टर बन गए, ये मत खाओ वो मत खाओ, वो कहेंगे तुम डॉक्टरी अपने पास रखो, क्योंकि आप उन्हीं में से तो आए हो ना, कल तक तो आप हमारे साथ ही थे, अब तुम डॉक्टर बन गए, वो नहीं मानेंगे बात। इसलिए आप पहले तपस्या करो, साधना करो, कुछ बनो, कहने की किसी को ज़रूरत नहीं है। जब आप कुछ बन जाओगे तो आपकी वाणी से, आपके शरीर से, आपकी आंखों से, आपके जुबान से एक ऐसा जो अमृत निकलेगा, वो उनको अपने आप मजबूर कर देगा, वो खुद ही कहेंगे तो कमाल है, तुम ऐसे बन गए हो, ऐसे तो थे नहीं। अब यशवंती माता है, इसको जब भी कोई देखा, अरे तू तो चल नहीं सकती थी, तू कैसे ठीक हो। अभी वो चंद्र प्रकाश जी आते हैं, यादव आज नहीं आए, कल आए थे, आए हैं क्या वो चंद्र प्रकाश जी, चले गए हैं, वो चले गए सो, वो सीढ़ियों के ऊपर ऐसे हाथों से चढ़ते थे, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ नहीं पाते, अब वो सीधे ऊपर चढ़ जाते हैं घोटे, अरे लोगों ने, अरे तुम कैसे होगा घुटने ठीक हो, तुमको देख कर बताया भी ऐसे ऐसे ठीक, अपने आप लोग पूछते हैं। सो आप यहाँ से कुछ कर करके जाएं, आलस अपने को छोड़ो, आलस को यहाँ पर कुछ बन के जाएंगे तो आप अपने परिवार आपकी बात मानेगा, वरना आपकी कोई बात नहीं मानेगा। आप कहते रहे बाप दारू पीता हो और बाप बेटों को कहे तू मत पी, बात तो कौन कहेगा, पहले तू तो देख ले अपना, सीधे बच्चे बोलते हैं। आजकल बच्चों को सिखाना इतना आसान नहीं है, खुद करना पड़ता हर चीज़ को लिए। अगर आपको लोगों में सिखाता हूँ तो मुझे पहले करना पड़ता है, ये नहीं है कि मैं ऐसे ही लग गया आपको उस लोगों को सिखाने के लिए, या आप लोग भी कोई ऐसे मूर्ख नहीं जो मेरी बात ऐसे ही मान रहे हो, उसके पीछे कुछ सत्य है, कुछ ताकत है उसके पीछे को, इसीलिए आप लोग बैठ के बात सुनते हो। सो इसीलिए आप लोग अपने जीवन को बदलिएगा, फिर आप अपने परिवार को, समाज को, सबको हम लोग जो है बदलेंगे, एक ताकत बन जाते, एक शक्ति बन जाती है। गुरु जी अकेले लगे थे अपने करने, उनके अंदर ईश्वरीय शक्ति थी, वो तो करते रहे सारे, अब हम लोग अकेले अकेले नहीं कर सकते, इसलिए हम सब लोग मिल करके धीरे धीरे करके इन चीज़ों को बढ़ाएं, तो हम लोग जो है भी आगे जो है बढ़ते चले जाएं। अब इसके बाद हमारा आता है कि ये तो हो गया आपके रोगों कारण, युक्त आहार भगवान ने कहा, जो जो भोजन पेड़ पौधों से मिलता है युक्त आहार है। दूसरा भगवान किसी कहते हैं विहारस्य, कहते अपना व्यवहार अच्छा रखो सबके साथ,
कोई व्यक्ति ये आपको नहीं कहे जी मेरे साथ इसने गलत व्यवहार किया। कोई भी व्यक्ति, सब खुश होने चाहिए आप लोगों से, व्यवहार से, बोलवाणी हमारी अच्छी होनी चाहिए। मैंने देखा बोलवाणी बहुत गलत है हमारी, बहुत गलत है बोलवाणी हमारी। ऐसा हम लोग दूसरे को अटैक करते हैं, जब ऐसा क्रोधित होकर करते हैं, रोब के साथ कड़के साथ बोलते हैं, दूसरा व्यक्ति जो है अपना जो है दुखी हो जाता है उनके शब्द सुन करके। अगर आगे भी हुआ तो वो भी फट से लड़ने को तैयार हो जाता है दो मिनटों में। इसलिए अपनी बोलवाणी को ठीक करें, हमारे वचन से किसी को कष्ट ना हो, किसी को। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ कि द्रौपदी ने दो तीन शब्द दुर्योधन को गलत कह दिए थे कि अंधे की औलाद अंधी रही ना, और साथ में हंस पड़ी थी। आपको पता है सारी कहानी कि महल ऐसा बनाया था जहाँ पर पानी था वहाँ वो सूखा दिखाई देता था, और जहाँ सूखा था वहाँ पानी दिखाई देता था। तो जब वो जाने लगा जहाँ सूखा था उसको पानी दिखाई दिया, तो उसने कपड़े ऊपर उठा लिए कहीं भीग ना जाऊँ, और जब वहाँ पर जो है उसमें पानी भीग गया वो। अब आगे जाकर जहाँ पानी दिखाई देता था वो सूखा था, वहाँ पर जो है उसने कपड़े ऊपर उठा लिए कि कहीं भीग ना जाऊँ, उल्टा काम। तो उसको देख करके वो हंस पड़ी ऊपर से कि अंधे की औलाद अंधी रही। अब उनके पिताजी आ जाइए इधर आ जाइए। हमारे बीच में पंजानी जी आए हुए हैं, हमारे गुरु भाई, थोड़ा सम्मान स्वागत कीजिए उनका। ये हमारे हीरो हैं, हीरे हैं, गुरु जी के शिष्य, और इनका जीवन आप सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक है। इधर से आ जाइए आप। औलाद अंधी रही, अब देखो आपके पिताजी माताजी कोई आंखों से ना दिखाई देता, आपको कोई ये शब्द बोल रहे, कैसे दुखी होगा? होगा नहीं होगा। और फिर उस दुख का खमियाजा सारी जिंदगी होगा। इसलिए शब्दों का उपयोग सोच समझ के करें, अंधेबाज ना करें, किसी को भी ना बोले, किसी का भी निरादर ना करें। हमारे अंदर घमंड रहता है, व्यवहार हमारा बहुत गलत है। हम लोग जो लोग कुछ मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं, कुछ पड़ासी है, कोई दूसरे हैं, उनका आदर नहीं करते। हम सोचते हैं हम पढ़े लिखे हैं, ये अनपढ़ गवार हैं, क्योंकि हमारे अंदर घमंड का भूत चढ़ जाता है सिर के ऊपर। हम इंजीनियर हैं बहुत बड़े, हम ये नहीं सोचते हैं कि ईश्वर ने सबको जीवन देके बनाया है, ये काम हमारा कर रहे हैं। अगर कोई सफाई कर रहा है ना तो उनको कहेंगे ये सफाई वाला है, उनको कहेंगे सफाई वाला, लेकिन ये नहीं है कि ये कूड़े वाला है। लेकिन वास्तव में कूड़े वाले तो हम हैं जो कूड़ा फैलाते हैं वहाँ पर, वो तो सफाई वाला है। देखो विचारों में कितना फर्क है। अगर कोई व्यक्ति हमारा कूड़ा उठा के लेके जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? कूड़े वाला आया है कहते हैं ना। थोड़ा सा भाव से ये देखते हैं कि वो गंदा है, लेकिन अपने दृष्टि को बदलें, वो कूड़े वाला नहीं, वो सफाई वाला है। उसको सम्मान की नज़र से देखें, वो हमारी सफाई कर, कूड़े वाले तो हमें, कूड़ा तो हम फैला रहे हैं, कूड़े वाले तो हमें, वो तो सफाई वाला है। इस प्रकार से हम अपने विचारों को बदलें। कोई मेहनत मजदूरी कर रहा है, कोई व्यक्ति गाँव का बंदा, सीधे साधे कपड़े पहन रखे, हम सोचते जी अनपढ़ गाँव का बंदा, नहीं। अगर कपड़े उसने पहने हुए ऐसे तो क्या हो गया? कपड़े तो सिर्फ तन ढकने के लिए है ना, बस, और तो कोई मकसद नहीं है इसका, गर्मी सर्दी से बचाने के लिए इसमें। लेकिन वो जो काम कर रहा है वो किसके लिए कर? सारे काम तो अपने, किसान है, खेती कर, किसके लिए कर? उसमें हमारा भी तो उसमें है, हमारे लिए भी तो है ना। फिर हम हर एक जीव को ईश्वरी की नज़र से देखें कि सब लोग परमात्मा के जीव, और सबके साथ हमारा व्यवहार प्रेम पूर्ण होना चाहिए, पारिवारिक व्यवहार होना चाहिए। परिवार के अंदर में आपको पता है कि सारे जगह चार भाई हैं तो चारों भाई अफसर तो नहीं होते ना। मैंने देखा परिवार के अंदर में कि एक भाई अगर अफसर बन गया तो दूसरा भाई जो है घर के अंदर खेती कर रहा होता है, गांव में ही रहता है, कि जी मैं नहीं जाता वहाँ, वो गाँव में खेती कर रहा। एक भाई को छोटी मोटी नौकरी लग जाता है, एक भाई को शराबी कबाबी भी हो जाता है, एक भाई चपड़ासी की नौकरी करता है, तो सारे अलग अलग हैं। जब वो परिवार में इकट्ठे बैठते हैं तो अगर अफसर जो अपनी अफसरी दुखानी शुरू कर दे वहाँ, तो कौन उसकी अफसरी सुनेगा?
वो तो जो बचपन में खेलते थे जिस प्रकार से परिवार की तरह ही बैठेगा तो तभी लोग तो उसका सम्मान बढ़ेगा ना, उनको बल्कि ऊपर उठाए उनको जो कोई बड़ा हो गया तो। ऐसे ही एक हमारा बड़ा परिवार है, इसके अंदर में कोई कुछ काम कर रहा कोई कुछ काम का, काम तो सबकी ज़रूरत है ना, काम की सफाई की भी ज़रूरत है हमारे को, यहाँ पर झाड़ू लगाने की भी ज़रूरत है, रोटी बनाने की भी ज़रूरत है, थोड़ा सा जो लोग ये आपको सिखा रहे हैं सब्जी बनाना ये बता रहे हैं उनकी भी ज़रूरत है। लेकिन जब हम लोग ऐसा काम करते घमंड अगर आ जाता है हमारे अंदर तो वो हमारे जीवन को गिराता है, वो हमारे जीवन को गिराता है नीचे। इसलिए हमारा व्यवहार अच्छा रखे, इसलिए भगवान किशन ने कहा व्यवहार से अपना व्यवहार सबके साथ, हम पैसों का व्यवहार बना लिया, जो कोई थोड़ा फैशनेबल है पैसे वाला उसके साथ हमने रिश्ता जोड़ लिया, जो कोई सीधा साधा उसको हम इग्नोर करते हैं कि ये तो निकम्मा है इससे हमें क्या मिलना है, बेकार आदमी। रिश्तेदारों के साथ भी जो कोई रिश्तेदार पैसे वाला है उसका ज़्यादा इज्जत करते हैं, कोई ऐसा बेचारा थोड़ा सा गरीब सा उसको हम लोग पूछते नहीं। शगनों का पैसे के रिश्ते हैं, शगन हमने ज़्यादा दिया उसने कम दिया तो हम लोग उसी के अंदर मन में जहर भर जाती है। गिफ्टों के लिए हम लोग रिश्ते खराब कर लेते हैं, मैंने गिफ्ट बढ़िया दिया उसने गिफ्ट सस्ता दिया हमारे को तो मन में जहर भर जाता। इसलिए भगवान किशन कहते हैं विहार से अपने व्यवहार को इंसानियत के रिश्ते बनाओ। आप लोग अमीर हैं गरीब हैं मुझे पता है, कोई पता नहीं कहाँ से आए हो कहाँ से नहीं किसी का घर पता है, लेकिन आप एक इंसान हैं ईश्वर के बनाए जीव हैं, मेरी ड्यूटी है सब लोग की सेवा करनी, इसलिए कोई भी आ जाओ कहीं से भी आ जाओ और इस विद्या विज्ञान को सीख करके अपना स्वस्थ करो, दुख दर्द अपना दूर करा लो, आगे जाके अपने परिवार को स्वस्थ करो। तो विहार से हमारे बीच में अपना पुंजानी साहब आए हुए हैं, प्रभु दयाल पुंजानी जी हमारे गुरु भाई हैं, ये मॉडल टाउन दिल्ली से आए, इतनी दूर से आए, देख लो कितनी दूर है मॉडल, प्यार है इनका, ताली बजा के स्वागत कीजिए। और इस उम्र के अंदर में कैसे स्वस्थ हैं, इनकी उम्र में 75 साल की है, 81 साल 80वां शुरू हो गया, 89+ 3 महीने हो गए, और सेहत इनके देखो, ये है गुरु जी का ज्ञान जिनके अंदर बढ़ता। तो हम अब इनसे प्रेरणा लेते हैं कि कैसे गुरु जी थे हमारे, कैसे उन्होंने शिक्षा दी, आप सब लोग बैठ करके इनसे सीखें। कितना आप ले सकते हैं खाने में, कितनी देर? मैं उसी हिसाब से शुरू करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय जगदेव भाई जी व उपस्थित बहनों और भाइयों, जगदेव भाई जी का आदेश हुआ था जी कुछ देर के लिए आना है, मैंने कहा ज़रूर आएंगे तो हाजिर हो गया हूँ। दरअसल एक मिनट आप ज़रा थोड़े से ऐसे गर्द कमर को थोड़ा सीधा करके बैठ जाएं, आप काफ़ी देर से बैठे होंगे थक गए होंगे ना, और ज़रा हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, और जब ओम का उच्चारण करेंगे तो उस वक्त ज़रा ये हाथ अपना ये तालू होता है ना ऊपर जो नाजुक जगह होती है वहाँ रख के करें, वहाँ आप फील करेंगे कि क्या होता है, कैसी वाइब्रेशंस आती हैं। आप कोई एक हाथ उधर रख लें, ओ
कुछ फील हुआ, कुछ कंपन वाइब्रेशन से कुछ फील हुई हाथ में? तो ये सारे शरीर में होती हैं, पूरा पाचन क्रिया सब कुछ सारे शरीर में। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो सारे शरीर में इसका प्रभाव जाता है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रा सुबह उठ करके ये काम कर लिया करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सारा दिन फिर अच्छा गुजरेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो मैं अपना बात शुरू करने से पहले थोड़ी सी एक दो बातें बता देता हूँ, मेरे को बाई चांस याद रह गई और वो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उनका भी योगदान है हमारे उसमें। जो लोग शेव करते हैं वो क्या करें, सुबह जैसे उठ के ना कोई चाहे सरसों का तेल या नारियल का तेल लेकर के हाथ पे लगा करके ऐसे लगा लें, अच्छी तरह से रगड़ लें, थोड़ा एक तो चेहरे पे थोड़ी मसाज हो जाएगी। और 10-15 मिनट के बाद आप खाली पानी से शेव कर लीजिए, साबुन क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, और देखिए आपको कितना आनंद आता है और बिल्कुल तकलीफ भी नहीं होगी, जो थोड़ी बहुत होती है वो भी नहीं होगी, और क्रीम पाउडर का जो वो खर्चा बच जाएगा और उसका जो प्रभाव आता है हमारी चमड़ी पे वो भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात, अक्सर लोगों के बाल झड़ते हैं, मेरे भी झड़ते थे, तो कहीं से ऐसे एक सूत्र हाथ लग गया कि सुबह जब आप पेस्ट करते हैं तो खाली पेट होता है ना ऑलमोस्ट, तो इस अंगूठे से तालू है ना इसको थोड़ा ऐसे रगड़ लें इसको ऐसे शुरू से आखिर तक बिल्कुल जहाँ तक कर सकते हैं आराम से। और सुबह का टाइम इसलिए बताते हैं खाली पेट होता है, बाई चांस शुरू शुरू में ऐसे उल्टी उल्टी फील होगी तो नहीं आएगी, उल्टी नहीं आएगी, तो इससे आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और हो सकता है उगने भी शुरू हो जाएं। मेरे तो उगे हैं, ये बीच में मेरे यहाँ से ऐसे हो गया था फ्लैट और अभी भगवान की कृपा से ठीक हो गया और मैंने इसको डेली रूटीन बना लिया, जैसे पेस्ट करता हूँ कर लेता हूँ, चलो कोई फ़ायदा हो रहा है नहीं तो नुकसान तो नहीं होता ना कुछ भी, तो आप ये ज़रा कर लिया करिए। एक बात और बताता हूँ, जैसे आप एज जैसे 65 के करीब होती है तो आप बाथरूम में जब अंडरवियर वगैरह पहनते हैं तो वो खड़े हुए कभी ना पहने, उससे गिरने का चांस, जब एक लात ऊपर उठाते हैं तो गिरने का चांस रहता है और जो वो जो फ्रैक्चर होता है वो फिर इतना भयंकर होता है कि वो उसकी फिर इलाज बड़ा मुश्किल से होता है। तो वो आप एक स्टूल पे या कुर्सी पे बैठ करके अंडरवियर का यूज़ करें तो वो एक है मामूली सी बात लेकिन उसका परिणाम बड़े भयंकर हैं। कई लोग ऐसे गिरे हैं, वो अंडरवियर पहनते हुए गिर गए और फिर सीधा ही फ्रैक्चर हो जाता है, तो बस उसका बहुत मुश्किल से उपचार होता है। अब ये तो चलो छोटी छोटी बातें बाई चांस मुझे याद थी तो मैंने कहा चलो आपको शेयर कर लूँ ताकि आप, हो सकता है आपको कुछ फ़ायदा हो जाए उससे। अब हम यहाँ जो एकत्रित हुए हैं ज़्यादातर आए हैं तो रोग के कारण से आए हैं ना, रोग की वजह से आए हैं, शरीर में रोग आ गए और इसलिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और हर बंदा चाहता है कि भाई रोग ना रहे, स्वस्थ रहें हम, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो इसको मैं दो भागों में बांटता हूँ ज़रा, एक पहले रोग का कारण जान लेते हैं कि रोग क्यों होता है और उसके बाद फिर जितना समय मिलेगा उसमें थोड़े से निवारण की बात कर लेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो कोई 30-32 साल पहले मैं लॉन टेनिस खेला करता था एक क्लब में, रोशनारा क्लब में, तो सब आर्थिक साधनों की वजह से बचपन में नहीं खेल पाया और जब उस उम्र में मतलब तकरीबन 50 साल की उम्र होगी तब वो चांस मिला खेलने का, तो ज़रा अंदर भूख थी बहुत, खेलने की शौक़ था, तो ज़रा ओवर कर गया तो मेरे घुटने में दर्द हो गया। तो घुटने में दर्द हो गया तो फिर खेलने का बहुत शौक़ था, खेला नहीं जाता था, तो फिर वो इलाज की प्रक्रिया शुरू की, तो वो एलोपैथिक आयुर्वेदिक होम्योपैथिक सारे इलाज मतलब शुरू करे, कहीं ठीक नहीं हुआ, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर आयुर्वेदिक सब कराए, बहुत दिन तक चलता रहा, 4-5 साल तक चलता रहा, नहीं ठीक हुआ। पेन किलर दे देते थे डॉक्टर्स, कोई बता के देता था कोई घुमा फिरा के दे देता था और उसका फिर और इफ़ेक्ट होता था बॉडी पे, पेट ख़राब हो जाता था, ऐसे और तकलीफ़ें बढ़ती गई, तो मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की और बीमारियाँ होती गई, पेट ख़राब हो जाना कभी, फिर और तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो
फिर एक दिन अचानक किसी एक मित्र ने बताया कि जी एक लाजपत नगर में एक स्वामीनाथन जी हैं, वो बैठते हैं, आप ज़रा उनके पास जाइए एक बार। तो उन्होंने मुझे फ़ोन नंबर दिया, मैंने फ़ोन पे अपॉइंटमेंट ली। तो उन्होंने कहा जी ठीक है आप आ जाइए, उन टाइम दे दिया, अपनी वाइफ को साथ ले करके आना ज़रूर। मैं कहा ठीक है जी। मैं अपना वो पूरा बैग 4-5 साल का जो था सारा रिकॉर्ड उठा के पहुँच गया उनके यहाँ। तो उन्होंने मेरे से मेरा खुराक वगैरह का, मेरी दिनचर्या पूछी, खुराक पूछी, और फिर मेरे को बता दिया जी आप, वो मेरे कोई कागज़ वागज़ उन्होंने नहीं देखे, तो भाई ये आप ऐसे नारियल पानी पीजिए, पेठे का जूस पीजिए, सलाद खाइए वगैरह वगैरह, ये वो बातें मेरे को बता दी। मैं बड़ा हैरान हो गया, मैं कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, वो इतना सारा बस्ता उठा के लाया हूँ, कुछ भी नहीं पूछा इन्होंने, कोई एक्सरे नहीं देखा, कुछ नहीं किया। ठीक है जी हम आ गए। बड़ा दिमाग में असंज मतलब दुविधा सी रही, भाई क्या हो क्या ये मतलब क्या करेंगे क्या कर? लेकिन फिर भी शुरू किया ऐसे प्रोग्राम, तो करिश्मा सा हो गया। वो जो दर्दें थी मतलब घुटने वगैरह की, वो वैसे दर्द सारे शरीर में फैल चुका था, और डॉक्टर्स ने आर्थराइटिस ऑस्टियो आर्थराइटिस डायग्नोस किया था। वो ऑस्टियो आर्थराइटिस एक्चुअली थोड़ा एज की वजह से भी होता है। तो उस वक्त 50-55 साल की उम्र हो गई थी। तो मैंने वो उनके कहने के मुताबिक उसको पालन किया और ठीक होता गया, और ठीक ना सिर्फ दर्दें ठीक हुई बल्कि चश्मा लगाता था मैं 20-25 साल से लगा रहा था, वो मेरा चश्मा उतर गया, वो मेरा थोड़ा और हौसला बन गया। फिर मेरे वो बाल झड़ते जा रहे थे, वो भी उगने शुरू हो गए, तो और ज़रा हौसला बढ़ गया। तो फिर मैंने उसको अपना लिया, ठीक से पूरा अपना लिया, और सारी जो बातें नहीं कर रहा था पालन वो भी करनी शुरू कर दी। और रिज़ल्ट ये हुआ कि मैंने फिर दोबारा टेनिस खेलनी शुरू कर दी, और आज भी मैं टेनिस खेलता हूँ। और सुबह मैं पहले 3 बजे उठा करता था, अब 2:30 बजे उठ जाता हूँ कोरोना के पीरियड में, और सुबह उठ के 2-2.5 घंटे मैं योगा कर लेता हूँ, उसके बाद 1-1.5 घंटा टेनिस खेलता हूँ, शाम को अगर मौका मिलता है तो वॉक कर लेता हूँ। तो इस तरह अपनी दिनचर्या चलती है, और गुरु जी की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, और ठीक हो गया बिल्कुल। वैसे कृपा से मुझे याद आ गई बात, कृपा गुरु जी की हुई, कृपा भगवान की हुई, लेकिन सबसे बड़ी कृपा हम खुद करते हैं ऊपर, कर और पा। कृपा का मतलब होता है कर और पा। अब कोई कितना भी बता ले आपको और आप करेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, ये सब करने से होगा। तो कृपा का मतलब कर और पा, आप करिए और फायदा होगा, ज़रूर होगा फायदा। और सिर्फ आपको फायदा नहीं होगा, आपके सारे घर वालों को, जो आपके परिवार के और सदस्य हैं उनको फायदा होगा, आपके जो मित्र हैं आपकी सोसाइटी में जितने लोग हैं उन सबको भी फायदा होगा। क्योंकि जब वो देखते हैं भैया यार आप ठीक हो रहे हो, अब मेरी जैसे अबाउट 80 ईयर्स की एज है, और लोग कहते हैं यार कैसे क्या करते हो क्या करते हो, तो फिर वो क्यूरियोसिटी होती है उनको, फिर उनको भी बता देते हैं। तो ऐसे अब जैसे आप यहाँ बुला लिया, चार बंदों को और बता दिया, दिन में भी ऐसे नेचुरल लाइफस्टाइल दिल्ली में मेरा नाम है लिस्ट में, तो वहाँ से भी फ़ोन आ जाते हैं, पूरे इंडिया से फ़ोन आते हैं, बल्कि फॉरेन से भी फ़ोन आ जाते हैं, तो उनको भी बताते हैं हमारा क्या जाता है, अगले ठीक हो जाते हैं तो बात बढ़ रही है आगे। तो ये है, अब थोड़ा सा उस मेन पॉइंट पर आते हैं, तो रोग का पहले कारण जान लेते हैं। तो एक सेंटेंस में अगर बोला जाए कि रोग का कारण क्या है, तो मैं गंदगी का शरीर में रुकना परमिटेड पीरियड, जितना वो समय भगवान ने दिया हुआ है उससे ज़्यादा देर रुकना ही रोग का कारण है। वो फिर गंदगी, फॉर एग्जांपल हम रोटी खाते हैं, वो मुंह से फूड पाइप में होते हुए छोटी आंत से बड़ी आंत से होते हुए फिर वो ब्लड वगैरह में कन्वर्शन हो करके और फिर लैट्रिन के शेप में बड़ी आंत में पहुंच जाती है। अब वो धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है, 5 घंटे छोटी आँख में ट्रैवलिंग है, फिर 5 घंटे पेट में रहता है, फिर उसके बाद 6-7 घंटे छोटी आँख में लगते हैं, फिर बड़ी आँख में लगते हैं, इतना टाइम लगता है उसको लैट्रिन में कन्वर्ट होने में। तो उतने तक तो ठीक है, साधन है हमारे पास रुकने का, कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उसके बाद अगर ज़्यादा देर रुकेगी तो फिर वो प्रॉब्लम होगी, फिर वो गंदगी बनेगी और वो बीमारी का कारण बनेगी। आप अपनी रसोई में डस्टबिन रखिए, उसमें आप अपना कचरा डालते हैं, तो एक दिन उसको साफ मत करिए, दूसरे दिन उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। आप कचरा और डाल दीजिए तो तीसरे दिन उसमें और ज़्यादा स्मेल आएगी।
और चौथे पांचवें दिन उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। तो वही हालत हमारी बॉडी की होती है। मान लो एक कमरा है, उसके अंदर एक सांप घुसता है, और सांप की जो टेंडेंसी होती है वो जरा दीवार के साथ साथ चलता है, तो यूँ दीवार के साथ साथ चलता है और उसको कहीं रुकने की जगह नहीं मिलती, वो निकल के बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर कहीं गंदगी पड़ी हुई है, गंद कूड़ा करकट पड़ा हुआ, तो वो उसमें छुप जाएगा, वहाँ बैठ जाएगा। तो गंदगी का एक ये भी नेचर होता है कि और गंदगी को साथ में जल्दी चिपका लेती है। एक आप अपने घर के बाहर थोड़ा सा कचरा डाल दीजिए और कुछ मत करिए, आप देखो चार पाँच दिन में वहाँ पूरा ढेर लग जाएगा, सब लोग वहीं डालते जाएंगे कचरा। तो इसी तरह से वो गंदगी जब अंदर रुकती है तो उसके साथ और गंदगी चिपकती जाती है और वो फिर रोग बनता है। पहले वो छोटा रोग बनता है, खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, फोड़ा, फुंसी वगैरह होती है, उसको तीव्र रोग बोलते हैं। तीव्र का मतलब जो तेज़ी से आता है, और वो तेज़ी से चला भी जाता है। उसके लिए आप थोड़ा परहेज़ कर लीजिए, खाना वगैरह बंद कर दीजिए, या ऐसे कुछ थोड़े से परहेज हैं तो समय मिला तो बता दिए जाएंगे, तो वो रोग ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम क्या है? हम ज़रा अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, बहुत समझदार समझते हैं। हम क्या करते हैं, वो जो जैसे ज़ुकाम लगा और दस्त लग गए, या उल्टी आ गई, या छोटा मोटा बुखार हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सेफ्टी वॉल्व्स खुल गए हैं और गंदगी निकल रही है। हम अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, हम दवाई खा के उसको दबा देते हैं। हम दबाने से वो फिर थोड़ा और बड़ा रोग बन जाता है। वो बड़ा रोग जब बनता है तो फिर हम और बड़ी दवाई ले लेते हैं, बड़े डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं, तो वो फिर और बड़ा भयंकर रोग बन जाता है। वो कैंसर और जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं, वो हार्ट अटैक वगैरह और पार्किंसन वगैरह, ऐसी बीमारियां बन जाती हैं। तो शुरू तो जुकाम से होता है और कैंसर तक पहुंच जाता है, क्योंकि हम दवाइयां खाते जाते हैं, रोग को दबाते जाते हैं। तो शरीर में एक सेंटेंस में बोला जाए कि रोग का कारण क्या है, तो शरीर के अंदर रुकना, गंदगी का रुकना ही रोग का कारण है। एक्यूमुलेशन, उनको टॉक्सिन्स बोलते हैं इंग्लिश में, उसको टॉक्सिन्स बोलते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी फॉर मोर देन परमिटेड पीरियड गिव्स बर्थ टू डिजीज। ये एक सेंटेंस में ये नेचुरोपैथी का सारा सारांश है। थोड़ा सा और डिटेल में ले लेते हैं तो चार पांच कारण हैं सारे। टोटल जितने रोग होते हैं सब उस तीन चार कैटेगरीज में आ जाते हैं। एक सबसे पहला तो होता है, हम जब पैदा होते हैं तो कुछ लेकर पैदा होते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वो हमारे अपने पिछले जन्मों के कर्मों के फल के हिसाब से हमें जन्म मिलता है, और हम पर्टिकुलर ऑर्गन्स, पर्टिकुलर बॉडी, पर्टिकुलर सोच, दिमाग लेकर, सुख साधन लेकर पैदा होते हैं। तो मैं कहता हूँ चलो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो किया वो अब भुगतना है या एंजॉय करना है, वो कर्मों के हिसाब से डिपेंड करता है। तो अब जो ठीक करें तो कम से कम आगे वाले में ठीक हो जाएंगे, इसको छोड़ देते हैं। दूसरा होता है प्राकृतिक आपदा, नेचुरल जो कैलेमिटीज होती हैं, जैसे अभी ये कोरोना आ गया, जैसे कोई दूसरी बीमारी फैल जाती है, कहीं भूचाल आ गया, भूकंप आ गया, पागल कुत्ते ने काट लिया, सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, वगैरह वगैरह, ये जितने नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, ये भी इनका आना हमारे हाथ में नहीं होता। आने के बाद उपचार तो हम करते हैं, लेकिन आना हमारे हाथ में है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। अब रह गए दो तीन कारण और मैं बता देता हूँ। एक तो खाना पीना गलत होता है, हम गलत खाने पीने की वजह से फंसते हैं और वो बीमारी का कारण बनता है। 99% लोगों का खाना पीना गलत होता है और इसीलिए वो बीमार होते हैं। अगर आपका खाना पीना ठीक है तो बीमार हो गए नहीं आप बिल्कुल भी, ये बड़ी पक्की बात है। दूसरा होता है, ये हमारे हाथ में है, इसका हमारे हाथ में है। अभी हमारे पास कई लोग जैन धर्म के या वो ऐसे वो अग्रवाल वगैरह, गोयल्स वगैरह आते हैं, कहते हैं जी हम तो जैन ही हैं, हम तो कुछ उल्टा सीधा खाते पीते नहीं हैं। मैंने कहा आप दाल रोटी तो खाते हो, कहते हैं हाँ जी। कड़ी चावल तो खाते हो, राजमा चावल तो खाते हो, मैं कहा जी वो भी गलत खाना है। कहते वो कैसे गलत है, वो तो वेजिटेरियन है। मैं कहा ज़रूरी नहीं होता कि वेजिटेरियन होने की वजह से वो ठीक हो गया। मैं कहा वो दोनों अन्न हैं, जब उम्र बढ़ जाती है तो जब बढ़ती हुई उम्र के हिसाब से हमारे शरीर के अंदर थोड़ी सी वीकनेस भी आनी शुरू हो जाती है, हमारे पुर्जे, कल पुर्जे ढीले हो जाते हैं, तो हमारी पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। तो बढ़ती हुई उम्र में घटती हुई पाचन शक्ति के हिसाब से हमें अपने भोजन को भी बदलना पड़ता है। तो ये जो दालें हैं और वो अन्न है, वो एक दोनों अन्न हैं तो आसानी से नहीं पचते, उसके बजाय एक अन्न होना चाहिए और एक सब्जी होनी चाहिए। सब्जी भी कोशिश हो के हरे हरी सब्जियां हो तो ज़्यादा ठीक है, वो मैं कह इसलिए गलत है। आपने कड़ी चावल खाया दोनों अन्न है, राजमा चावल खाया दोनों अन्न है,
तो ये नहीं होना चाहिए, एक एक सब्जी और एक अन्न होना चाहिए। अच्छा, अब ये हमारे हाथ में है। दूसरा एक इसका कारण है कि प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हम, हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं वो या तो जंग खा जाते हैं या फिर ओवर करने से वो इंजरी हो जाती है उसके अंदर, तो वो भी हमारे हाथ में है, वो भी एक कारण है बीमारी का। अब लोग उठते हैं, बैठे सारा दिन काम करते रहते हैं, करते हैं, वो गर्दन में सर्वाइकल हो जाता है, जब बैठते हैं यूँ कमर झुका के बैठते हैं तो ये जो रीढ़ की हड्डी है ये कम खराब हो जाती है, इससे कमर में दर्द हो जाता है। सोते हैं गलत नरम गद्दे पे सोते हैं, तीर कमान की तरह हो जाता है, क्योंकि ये सिर और लाते पैर हल्के होते हैं और ये बीच का हिस्सा भारी होता है, तो वो अंदर चला जाता है और ये ऊपर आ जाता है, वो तीर कमान सा बन जाता है, तो आंतें जो है सिकुड़ जाती हैं, वो भोजन जो रात को लेट खाते हैं और वो पचता नहीं है वो, और फिर उसके बाद दूसरा खाना, जब पहला पचा नहीं तो दूसरा खा लिया तो समझ लो जहर डाल दिया अंदर। जब तक पहला खाना पच जाने के बाद ही दूसरा खाना चाहिए, वही सही खाना होता है। तो वो कारण हो गया प्रॉपर एक्सरसाइज ना करने का। कई लोग ज़्यादा बहुत ओवर एक्सरसाइज कर जाते हैं, वो भी फिर इंजरी हो जाती है, ये भी हमारे हाथ में है। और तीसरा जो है टेंशन, तनाव, तनाव की वजह से हम, हमारा जो भोजन की जो पाचन शक्ति क्रिया है वो खराब हो जाती है, और उसकी वजह से फिर वो रोग का कारण, जब भोजन खाया हुआ पचा ही नहीं और फिर हमने दूसरा खा लिया फिर तीसरा खा लिया, तो फिर वो बीमारी का कारण बन जाता है। अब इन तीन के अलावा एक कारण और है, एजिंग प्रॉब्लम। उम्र के हिसाब से भी हमारी जो एक इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिटेरेशन ऑफ नेचर, नेचर का असूल है कि जो चीज़ भगवान ने बनाई है उसे नष्ट होना है, तो हम भी भगवान की बनाई हुई आइटम है तो हमने भी नष्ट होना है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, 50, 55, 60 के बाद आते हैं तो हमारे कलपुर्जे ढीले होने शुरू हो जाते हैं, कमजोरी शरीर में आनी शुरू हो जाती है, तो इसको कहते हैं डिटेरेशन। अब इसको हम बंद तो नहीं कर सकते, हम रोक तो सकते हैं, क्योंकि तो कुदरत का असूल है, तो भगवान जो जिन्होंने सृष्टि बनाई, इतने बड़े बड़े महात्मा भगवान के अवतार, वो नहीं बचे, हम और आप क्या चीज़ है, तो जब उनको हो सकता है तो हम नहीं बच सकते, तो बच तो नहीं सकते, लेकिन हम अपनी जो मेंटेनेंस के द्वारा उस पर थोड़ा चेक लगा सकते हैं ताकि रेट ऑफ डिटेरेशन कम हो जाए, तो वो कम हो जाए। तो वो मेंटेनेंस कैसे होती है, ये इन तीन कामों के द्वारा आती है, खाना पीना सुधार लो, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, व्यायाम कर लो, और थोड़ा सा तनाव कम कर लो। तनाव का मतलब उसमें स्वभाव वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो आपकी जो है वो डिटेरेशन का रेट कम हो जाएगा, तो आप थोड़ी अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। और अब इतने तक बात, ये तो कारण पता लग गया, अब निवारण है, तो निवारण तो थोड़ा लंबा काम है, तो आप जगदेव भाई जी से तो रोज़ सुनते भी रहते होंगे, और अभी जब कोर्स करने आए तो अब तो पूरी डिटेल में ये समझा रहे होंगे, अभी आपको बनाने का तरीका भी बताएं, रोटी कैसे बनानी है, सब्जी कैसे बनानी है, व्यायाम कैसे करना है, उठना बैठना सोना कब है, क्या करना है, सुबह क्या करना है, सब बातें बता रहे होंगे, तो आप उनका पालन करिए और शरीर में कोई रोग आने का कोई कारण नहीं है। तो ये एक पार्ट ख़त्म होता है। और उम्र जो है ना, वैसे कहते हैं जी उम्र का बढ़ना भी दस्तूरे जहाँ है, उम्र का बढ़ना भी दस्तूरे जहाँ है, अगर ना सोचो तो बुढ़ापा कहाँ है। तो सोच बड़ी चीज़ है, सबसे पहले बीमारी यहाँ से शुरू होती है, सोच से। मैं सोच को बदल सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदल सितारे बदल जाएंगे, नज़रों को बदल नज़ारे बदल जाएंगे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सोच को बदल सितारे बदल जाएंगे, नज़रों को बदल नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदल किनारे बदल जाएंगे, किनारे सामने आगे खड़े हो जाएंगे, आप दिशा बदलिए। दिशा का मतलब खान पीन सुधारिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए और थोड़ा सा तनाव कम रखिए ज़िंदगी में। तो मेरे ख्याल में मेरी बात यहीं ख़त्म करें या थोड़ा और आगे, मैं एक दो चार एक्सरसाइजेज आपको करके दिखा देता हूँ। वो रास्ते में बहुत जाम हो गया था, मैं तो 12 बजे चल पड़ा था। अच्छा दो मिनट बस, आप एक्सरसाइज की बात मैं बता, एक दो चलो। और एक रूल है जी, एक रिक्वेस्ट है, आप अपना एक्सपीरियंस भी बताएं, गुरुजी के साथ जो आपने शेयर किया आपका रहा उसके बारे में जरूर बताएं।
क्या किसके बारे में? स्वामीनाथन जी के साथ आपका एक्सपीरियंस, उनका कैसे स्वभाव था, कैसे सेवा करते थे, ये चीजें बातें। हाँ तो वही, ये सब कुछ जो है उन्हीं की देन है, नहीं तो अब हमारे नाम के साथ है नहीं होता। थे जो समय उनके साथ थे लग गया होता, अब तक अगर गुरु जी ना होते तो हमारे साथ थे लग गया होता, है ना होता। है उन्हीं की वजह से है, जो जो पुनर्जन्म हुआ है, जो जो बातें सब ये बताएं, जैसे मैंने बताया ना, हम अभी आप शेव करो, गुरु जी ने सारी उम्र कभी साबुन शैम्पू इस्तेमाल नहीं किया अपनी बॉडी पे, वो सिर्फ बहुत थोड़ा सा। सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि गुरु जी तो उन्होंने कभी सारी उम्र तेल अपने अपने शरीर पे साबुन और शैम्पू यूज नहीं किया, वो बेसन से या दही से या मुल्तानी मिट्टी से स्नान करते थे। तो सब ये उन्हीं की देन है, उन्हीं का हाँ पालन किया है हमने, कोशिश करी है, लेकिन देन उन्हीं की है। तो अब क्या आप क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए, मैं आप वो बताता हूँ। आप कैसे वो उनका विचार थे, कैसे आपसे व्यवहार करते थे, कैसे सेवा करते थे, वो ये सुनना चाहते हैं। अच्छा जी, तो सेवा की बात है कि जब मैं उनके पास गया था तो उन्होंने जब मुझे बताया तो कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक किसी ने कि आपको डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर आपको फ़ोन करके पूछे कि आपकी तबीयत का क्या हाल है। उनका फ़ोन आता था मेरे पास कि जो वो पूछते थे क्या हाल है आपका। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब कोई, और ना उन्होंने कभी कोई पैसा नहीं चार्ज किया, कुछ हमसे लिया नहीं, कुछ कोई कोई उनको कोई बिल्कुल एक नया पैसा भी चार्ज नहीं किया उन्होंने। और वो उनका फ़ोन आया, हम सुस्त हो गए, उनका फ़ोन आया करता था कि जी आपका क्या हाल है पुजानी जी, क्या हाल है, ठीक है, तबीयत ठीक हो गई है। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है, इतनी महानता उनकी और इतना सिंपल उनकी लिविंग थी। एक एक बात से, एक बार मैं अपने हमारे कुड़म मेरी बेटी के जो ससुर थे वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो वो आए थे, तो वो कहने लगे एक बार चलो हम भी चलते हैं आपके गुरुजी के पास चलते हैं। मैं कहा चलो, तो मैं उनको लेकर के गया वहीं राजपथ नगर, तो वो बाई चांस कहीं लेक्चर दे के आए थे और वो रिक्शे में से गिर गए थे, तो उनके खून सिर पर चोट लगी हुई थी, खून आई जा रहा था। तो वो मेरे वो जो कुड़म थे वो घबरा गए, वो कहने लगे जी चलो चलो आप बैठो हमारी गाड़ी में, हम आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं, डॉक्टर के पास ले चलते हैं। गुरुजी ने शांति रखो, कोई ज़रूरत नहीं। वो क्या करते थे, वो गीला कपड़ा किया और यहाँ रख लिया, थोड़ी देर के बाद फिर वो गीला कपड़ा किया और रख लिया और कहते हैं आप बोलो, आप अपना काम बताओ, आप जिस वजह से आए हैं। मैंने कहा जी ये मेरे कुड़म है और ये ऑस्ट्रेलिया से आए हैं तो आपके दर्शन करने के लिए। कहते बोलो आप कोई सेवा बताओ कोई मेरे लिए। तो वो हम उनको कहते रहे बार बार आपका खून बह रहा है जी, हम आपको ले चलते। कहते हैं कोई चिंता मत करो आप चलो। तो वो फिर जब हमने अपनी बातचीत ऐसे ख़त्म कर ली, उन्होंने एक दो चार बातें पूछी, तो हमने कहा चलो ठीक है हम आपको छोड़ देते हैं, चलो अस्पताल नहीं जाना तो आपके घर छोड़ देते हैं। तो बड़ी मुश्किल से बहुत कहने के बाद वो माने और हमने उनको गाड़ी में उनके घर में छोड़ दिया। तो मतलब इतनी चोट लगने के बावजूद उनको कोई परवाह नहीं थी, मतलब वो पानी से ही बस करी जा रहे थे, ठीक हो गए पता नहीं। तो ये ऐसे बहुत बातें। फिर उनके जब मैं जब ठीक हो गया तो नेचुरली मेरे में प्रभाव पड़ा, तो मैं चाहता था कि और भी लोग, तो मैं उनके प्रोग्राम बनवा दिया करता था। तो फिर वो अपने वो आते थे गाड़ी से या टैक्सी से या रिक्शे से, जैसे भी आते थे, कभी उन्होंने कोई पैसे की डिमांड नहीं करी, हमने उनको अरेंजमेंट करके कैसे तैसे कर देते थे, वो कभी उन्होंने पैसा नहीं मांगा कभी, और वो घंटा दो घंटे लेक्चर दे के और अपना चले जाते थे, कभी किसी से कोई पैसा उन्होंने चार्ज नहीं किया। तो ऐसा ऊंचा विचार मैंने अजमल खां पार्क में करोल बाग में, वो साइकिल से आते थे और अपना साइकिल खड़ा करके और अपना लेक्चर दे के और फिर उठा के चले जाते थे, इतना सिंपल उनकी लिविंग थी। और सारी उम्र उन्होंने कभी दवाई का इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल कभी एक पैसे की भी कभी दवाई नहीं खाई उन्होंने। तो वो प्रभाव है, और जब आदमी सामने देख करके फिर वो हमें भी इम्प्रेशन पड़ता है कि हाँ यार ये तो ठीक कह रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते। अब थोड़ा सा बस वो करना पड़ता है, विल पावर थोड़ी क्रिएट करनी पड़ती है। तो अब आपके सामने है, मतलब मैंने कोई चीज़, मैं आपको कोई मार्केटिंग करने नहीं आया हूँ, या मैंने कोई सामान नहीं बेचना, या मैं कोई चार्जेस के कोई मतलब एक नया पैसा लेने का कहीं से कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो
सिर्फ यही एक ख्वाहिश है, जैसे उनके उनका आदेश है कि उन्होंने कहा भाई जैसे हम ठीक हुए तो और सारी दुनिया ठीक होनी चाहिए। हमारा यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब ठीक हों। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सारी दुनिया खुश हो, निरोगी हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, बस इतनी बात। और ख़ास करके ये बहनें बैठी हैं तो जो लेडी होती है ना वो घर की पिलर होती है इस मामले में। उनके हाथ में ना बहुत सारी मिनिस्ट्रियाँ होती हैं। वो गुरु जी कहा करते थे वो होम मिनिस्टर होती है, वो फूड मिनिस्टर होती है, वो हेल्थ मिनिस्टर होती है, वो बच्चों की जो पढ़ाई का भी ध्यान रखते हैं, तो एजुकेशन मिनिस्टर भी होते हैं। तो इनके हाथ में बहुत सारे मिनिस्ट्रियाँ हैं। एक गृहिणी अगर बीमार, मतलब घर के 10 आदमी हों और वो बीमार हो जाए तो अकेली गृहिणी उनको संभाल लेती है, और एक गृहिणी बीमार हो तो 10 मिलके नहीं संभाल सकते। ये होता है। तो बहनों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने सेहत का ज़रूर ख्याल रखें ताकि आपकी वजह से सारा परिवार ठीक रहेगा। तो आपके लिए मतलब बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हेल्थ हर एक के लिए ज़रूरी है। हेल्थ कोई ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट नहीं है। आपको कोई घर के बंदे कितना भी प्यार करते हो सब कुछ दे सकते हैं, कोई हेल्थ आपको नहीं दे सकता। ना आप किसी की हेल्थ ले सकते हो, ना आप किसी को दे सकते हो। तो हर एक को हेल्थ अपनी चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले एक किरण बेदी जी का एक मैसेज आया था, कहते जब हम थोड़े पैदा होते हैं, बड़े होते हैं तो 5-7 साल के होते हैं तो हमें एक मिल जाता है, मार्क्स एक लग जाता है, वो हमारी हेल्थ होती है। उसके बाद जब हम बड़े होते हैं, जैसे हमने प्राइमरी स्कूल पास किया तो फिर एक जीरो लग जाती है, फिर उसके बाद हम जो उसके बाद कॉलेज में चले जाते हैं तो एक जीरो और लग जाती है, 100 हो गए, 1000 हो गए। फिर उसके बाद हम पढ़ के निकलते हैं तो कॉलेज में जाते हैं तो एक जीरो और लग जाती है। उसके बाद फिर नौकरी वोकरी करने लगते हैं तो एक जीरो और लग जाती है। उसके बाद वो मकान बना लेते हैं, गाड़ी वगैरह ले लेते हैं तो एक जीरो और लग जाती है। फिर शादी हो जाती है, एक जीरो और लग जाती है। फिर बच्चे हो जाते हैं तो एक जीरो और लग जाती है। तो ऐसे बढ़ता चला जाता है इंसान का। तो जैसे वो एक को हटा दो तो बाकी क्या रह जाएगा, सब जीरो। तो हेल्थ इतनी इम्पॉर्टेंट है कि उसका होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके वैसे तो हर वक्त चाहिए, ओल्ड एज में तो हेल्थ बहुत चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है हेल्थ की। मैंने बहुत लोगों को देखा है घरों में, बल्कि कई जगहों पे तो नाम ही बदल देते हैं, वो ओल्ड आदमी का नाम ही ओल्ड फर्नीचर रख देते हैं। वो रिश्ता करने आते हैं ना तो वो पूछते हैं भाई आपके घर में कोई ओल्ड फर्नीचर तो नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे नाम दे करके बात करी जाती है। तो आदमी की जो अपना एक तो थोड़ा अपने अंदर अपने एंटी में थोड़ा माल ज़रूर रखना चाहिए, सारा नहीं देना चाहिए बच्चों को, एकदम नहीं दे देना चाहिए, थोड़ा बहुत अपने पास रखना चाहिए और एक अपनी हेल्थ ठीक रखनी चाहिए। तो आपकी कदर बनी रहेगी सारी उम्र, जब तक आप रहेंगे कदर बनी रहेगी। ये मेरी एक एडवाइस है कि आप थोड़ा अपना माल एंटी में रखिए, मतलब पैसे अपने आंटी में ज़रूर रखिए, सारे पैसे बच्चों को मत दीजिए। वो कई बार सेंटिमेंटल कर लेते हैं जी, वो मेरा बच्चे के पढ़ाई है, मेरा मकान बनाना है, मुझे अब वो काम करना है, वो मशीन लगानी है, वो ये करना है। वो करता रहे भाई, तू जो करना है कर भैया, अब मैंने बहुत कर दिया ना, अब तू मेरे को उल्टा खर्चा देना शुरू कर। तो दूसरी बात कि अपनी हेल्थ को ज़रूर सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी हेल्थ की होनी चाहिए। आपकी हेल्थ ठीक है तो आपकी सब जगह कदर है, और आप बिस्तर पे पड़े आदमी की क्या लाइफ रह जाती है। पर्टिकुलरली आपको कोई नहला धुला देगा, खिला पिला देगा, लेकिन जब वो मल मूत्र साफ करने की बात आती है तो अच्छे अच्छे को पसीने छूट जाते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो उम्र में छोटा, मुझे कहता है बहू जी मेरे फादर की लैट्रिन वगैरह कपड़ों में निकल जाती है, तो मेरे अलावा कोई हाथ नहीं लगाता पूरे घर में, और मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी हैं मैं उनका बेटा हूँ। लेकिन कहते हैं बहू जी मैं कई बार मतलब इतना गंदगी हो जाती है कि मुझे मैं रोटी नहीं खा पाता सफाई करने के बाद, ये हालत हो जाती है। तो वो स्थिति कभी ना आए, मरना जीना भगवान के हाथ में, जितने सांस लिखे हैं वो लेने हैं और चले जाना है। लेकिन अगर आप तंदुरुस्त रहेंगे तो वो स्टेज तो भगवान कभी ना लाए, चलते फिरते जाए ठीक है, बस जाना तो हर एक ने है, और उसमें कुछ आदमी रोक भी नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकते आप। तो अपने सेहत का पहला ख्याल रखिए, और इसलिए ज़रूर रखिए कि आप अपना जीवन आपका ठीक से चलेगा, आपकी केयर होगी, आप किसी पर निर्भर नहीं बनेंगे, आप खुद अपने ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। अब आप बोलिए और कोई बात।
अच्छा आसन में भी मैं एक दो करके दिखाता हूँ। आसन में ऐसा होता है, हमारी बॉडी में 360 जोड़ होते हैं, 740 मसल्स होते हैं, तो वो जब ओवर वर्किंग से भी इंजर्ड हो जाते हैं और ना करने से जंग खा जाते हैं। तो जितने जोड़ हैं, जैसे अब घुटने के जोड़ है, जैसे कंधों का जोड़ है, जैसे ये जोड़ है, ये उंगलियों के जोड़ है, तो इन जोड़ों को ऐसी सुबह आप उठ के थोड़ी एक्सरसाइज कर लें ताकि ये अपना चलते, इनको रवानगी रहे, इनके अंदर खून का दौरा चलता रहे इसके अंदर, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले घुटने बोलते हैं आदमी के, तो आप उसके लिए वॉक करिए और थोड़ी सी घुटने की एक्सरसाइज मैं अभी बता देता हूँ वो करिए। कईयों के जो यहाँ ये घुटने से नीचे वाले हिस्से में ना नसें फूल जाती हैं, नीली नीली नसें निकल आती हैं, खारिश होती है बहुत ज़्यादा, वेरिकोस की बीमारी कहते हैं उसको, वो अक्सर हो जाती है क्योंकि हमारा जो सारा दिन जो टांगे हैं वो नीचे की तरफ रहती हैं, बैठते हैं तो नीचे, खड़े होते हैं तो नीचे, तो यहाँ पर जो खून का दौरा है वो वापस नहीं जाता ऊपर, और इधर इधर नीचे वाला नीचे ज़्यादा रहता है, तो वो बीमारी वैरी को उसकी बीमारी बन जाती है, और फिर इसका असर ऊपर घुटनों वगैरह में, कमर वगैरह में, सारे शरीर में आता है। इसी तरह से ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये भी हम ऐसे सीधे नहीं बैठते तो इसलिए ये भी ख़राब हो जाती है। ऐसे हमारे कंधे हैं, तो जो जो इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन्स हैं उनको आदमी को टोन अप रखना चाहिए, इसको कहते हैं टोन अप रखना, बिल्कुल उनको चलता फिरता रखिए। मैं वो अभी बोला था ना, मैंने बुढ़ापे को अगर ना तो बुढ़ापा कहाँ है, बुढ़ापे को हराना है, उम्र का बढ़ना भी दस्तूरे जहाँ है, बुढ़ापे को अगर हराना है तो अपने शौक और जोड़ टोन अप रखिए, जिंदा रखना है, जिंदा रखना है, जिंदा रखिए, घुटने चले या ना चले मन को उड़ता परिंदा रखिए। जिंदगी में मुसीबतें मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ द लाइफ है, और उसमें से हंसते हुए मुस्कुराते हुए निकल जाना आर्ट ऑफ द लाइफ है। तो ये आप अपने आप पे, अपने से अपनी दोस्ती रखिए, अपने अपना ख्याल रखिए, और फिर भगवान बाकी सब ठीक करेगा। तो मैं एक दो एक्सरसाइज करके आपको दिखाता हूँ। मैंने जरा अभी सुबह खाना खा लेता हूँ ना, मैं तो जरा खाना खाया हुआ, तो ज़्यादा बड़ी बहुत बड़ी मुश्किल वाली एक्सरसाइज नहीं करूँगा, जो हल्की हल्की वाली करके दिखा दें। ये देखिए, ये पद्मासन है, ये पद्मासन में आप बैठते हैं, कोई भी काम करते हैं तो आप पद्मासन लगा के कर लीजिए, माइक आके रख लीजिए थोड़ा। तो पद्मासन का ये तरीका है लगाने का, और मैं अभी इसका तरीका भी बताता हूँ कैसे लगाना है, और ये हर उम्र में लग सकता है। लेकिन एक्सरसाइज के लिए एक बड़ा एक रूल है, बड़ा गोल्डन रूल बताता हूँ आपको। यथाशक्ति एक वर्ड है, यथाशक्ति, अपनी शक्ति के मुताबिक आप एक्सरसाइज करिए, कभी ज़्यादा मत करने की कोशिश करिए, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे तो ज़िंदगी में कोई भी काम आप अपनी शक्ति से बाहर करते हैं तो वो प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, उसमें प्रॉब्लम होने के चांस रहते हैं। तो अपनी शक्ति के मुताबिक काम करिए, यथाशक्ति, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, उतना ही कपड़ा जो हो उसके हिसाब से अपना वस्त्र सिलिए, जितनी चादर हो उतने पैर पसारिए। ये बातें उसी लिए लागू होती हैं कि आप अपने शक्ति के मुताबिक कभी भी ओवर मत करिए, ओवर करेंगे तो प्रॉब्लम होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये पद्मासन है जो मैंने अभी लेट स्टेज में शुरू किया है, तो मैंने 3-4 मिनट ज़्यादा नहीं लगा पाता था मैं, वो मतलब मेरे दर्दें होने लग जाती थी, तो मैंने क्या किया इसको, इसके लिए मैं रूल बताता हूँ कि आप बिल्कुल, मैंने 3 मिनट से शुरू किया लगाते लगाते, और मैं 45 में एक मिनट मतलब एक दिन 1 मिनट के हिसाब से मैंने बढ़ाया, नहीं पर मंथ, 1 महीने में 1 मिनट मैंने बढ़ाया। जैसे अब मैंने शुरू किया इस महीने में तो 3 मिनट पे, अगले महीने 4 मिनट कर दिया, अगले महीने 5 मिनट कर दिया, अगले महीने 6 मिनट करता, और 45 मिनट तक मैं पहुँच गया, और 45 मिनट तकरीबन मैं बैठ जाता हूँ पद्मासन में, मेरे को कोई तकलीफ नहीं होती, और मैं जो भी मेरे रूटीन के काम होते हैं मैं पद्मासन में लगा के करता हूँ, तो दोनों काम हो जाते हैं। एक तो वो हो गए, अब मुझे कहीं बाजार में जाना होता है तो कई लोग फटाफट रिक्शा कर लेते हैं, फटाफट ऑटो कर लेते हैं, गाड़ी उठा लेते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 2-3 किलोमीटर, 1-2-3 किलोमीटर जाना है तो मैं पैदल चलता हूँ, मैं व्हीकल यूज़ नहीं करता हूँ, तो उसमें मेरे दोनों काम हो जाते हैं, एक तो मेरे पैसे बच जाते हैं, प्लस मेरी एक्सरसाइज हो जाती है, टांगों की एक्सरसाइज हो जाती है। तो आप भी ऐसे मल्टीपल
करो उसमें, ताकि आम के आम गुठलियों के दाम। तो ये पद्मासन में जो दो घंटे जो पद्मासन में आदमी बैठ जाए उसको सारी उम्र कभी शरीर में कोई रोग नहीं होगा, इतनी इस एक आसन में इतनी जान है। योग आसन की, योग क्रिया की सबसे पहली एक्सरसाइज ही यही है, और लास्ट वाली शीर्षासन है। शीर्षासन में भी जो कर लेते हैं तो वो भी उनका भी बेड़ा पार हो जाता है। और अगर ये 5 घंटे आपने लगा लिया तो आपकी समाधि लग सकती है, समाधि लग जाती है इससे। तो ये ऐसी बढ़िया एक्सरसाइज है, आप इसकी कोशिश करिए। और मैं अभी इसको आपको तरीका बता देता हूँ कैसे शुरू करना है और कैसे लगाना है। पहले मैं करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको इसको लगाने का तरीका बता दूँ। लेकिन कभी भी अपनी शक्ति से बाहर मत करना, बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे बढ़ाना। अब ये देखिए बेटा, शीर्षासन भी लगा लेता हूँ, लेकिन अभी मेरे को मना किया है कि भाई अब आप शीर्षासन मत लगाया करो, उसके बजाय सर्वांगासन कर लिया करो। तो मैं अब शीर्षासन मैंने बंद कर दिया है, सर्वांगासन लगाता हूँ। ये देखिए, एक ये हलासन, एक वो वेरिकोस वाला आसन मैं बता देता हूँ, उसका भी 10-15 मिनट से शुरू करिए और 20 मिनट तक ले जाइए। इसकी दीवार है ना? नहीं नहीं, दीवार नहीं, 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 पर्दा है वो। कोई बात, कहीं थोड़ी सी दीवार हो तो नीचे करना पड़ेगा। ये 20 मिनट तक करना है, और अगर आपका टाइम पास नहीं होता 20 मिनट क्या करो, तो थोड़ा इधर ध्यान लगा लो, भजन कर लो, कीर्तन कर लो, जाप कर लो, वरना तो एक्सरसाइज कर सकते। मैंने 4 एक्सरसाइज डेवलप किए हैं अपने ये बारे। सारा दौरा इधर खून का इधर हो रहा है, जो सारा दिन नीचे नीचे की तरफ रहता है वो वापस हो रहा है। तो 20 मिनट आप रोज करिए, आपको कभी टांगों में घुटनों में दर्द नहीं होगा। शुरुआत तो जितने से आपको कंफर्टेबल, जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे अपनी शक्ति अनुसार, यथा शक्ति का मतलब है कि जितने यथा शक्ति,
धीरे धीरे फिर बढ़ाइए, अगले महीने और बढ़ा लीजिए। आप इसको ऐसे गिनती के साथ कनेक्ट कर लीजिए ना, टाइम देखने की बजाय ओम एक, अंदर अंदर मन में गिनिए ओम एक, ओम दो, ओम तीन, ओम चार, ओम पाँच, ऐसे गिनते जाइए। आप कंफर्टेबल फील करते हैं 10 मिनट करिए, 15 मिनट करते हैं 15 मिनट, आधा घंटा कर लीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। जहाँ थकने लगो रुकने लगो रुक जाओ। ये इसको ये एक्सरसाइज बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। हाँ जी बोलिए। बाल धोने दही से धोइए, मुल्तानी मिट्टी से धोइए, आंवला रीठा, बहुत सारे तरीके हैं। मतलब साबुन कास्टिक सोडा मत लगाइए, साबुन और शैम्पू मत लगाइए। घर पे शैम्पू बन जाता है। आगे एक एक जरा एक एक बोलिए एक एक। हाँ जी बोलिए आप बोलिए। सविता आगे नहीं ऐसा तो नहीं होता, स्मेल तो गंदगी की आती है ना बालों से, कोई पसीने से स्मेल आती है, पसीने से आप जुराबे उतारिए कहीं के जुराबों से स्मेल आती है, इसका मतलब पसीने के द्वारा आपकी वो अंदर गंदगी है वो निकल रही है आपकी। अगर अंदर साफ है तो पसीने कभी बदबू नहीं आएगी, बालों से बदबू नहीं आती। आपके जो सिर में जो छिद्र हैं जहाँ से पसीना आता है वहाँ से हमेशा पसीने में से बदबू आती है, आपके शरीर में से बदबू नहीं आती, शरीर में जो पसीना आता है उसमें से बदबू आती है। तो आपके अंदर गंदगी है वो पसीना गंदा ही निकलेगा। जिनका अंदर साफ रहता है उनका पसीना भी ठीक आता है, उनको कभी पसीने से स्मेल नहीं आती उनके। आप ट्राई करके देखिए, अंदर सफाई रखिए ना, अंदर जितनी सफाई रखेंगे उतना ही वो सफाई की मैंने मिसाल दी ना आपको, तो किचन वाली बात आप करके देखिए, 4 दिन वहाँ गंदगी रख लो ना, देख लो पता कितनी आती है स्मेल। और सरसों का तेल या नारियल का तेल 15-20 मिनट, हाँ 15 मिनट बाद शेव करो ना, 15-20 मिनट आप 15-20 मिनट बाद शेव कर लीजिए। अच्छा अच्छा बस। सर्वांगासन बताया है, सर्वांगासन बताया, आप सर्वांगासन करते हैं कितना देर करना चाहिए? यथाशक्ति जहाँ आप जब तक आप कंफर्टेबल फील करें ना। अच्छा। जैसे आपको दर्द होने लगेगा, आपको तकलीफ होने लगेगी ना, वहाँ रुक जाओ बस। अच्छा जी, जैसे मैंने पद्मासन लगाया। हाँ जी लगा रहा था मैं, तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया मुझे, टाइम पता नहीं। तो आप उसको यहाँ पर खिंच गया, तो हाँ बैठा नहीं जाता उसको। तो आप वही ना, दर्द जहाँ दर्द, पेन इज ऑटोमेटिक स्टेप गिवन बाय द गॉड, जहाँ दर्द वहीं रुको। अच्छा। बस सीधा सीधा फार्मूला है, और फिर उसके बाद आप अपने कन्वर्ट कर लो ना, ओम एक, ओम दो, ओम तीन, या घड़ी सामने रख लो वो सेकंडों को देख लो। पद्मासन लगाने का तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ऐसे बैठिए, तो ऐसे बैठ करके और ये करिए, जो जॉइंट्स है ना उनको पहले खोल लीजिए, तो जॉइंट्स खोलोगे तो फिर आसान हो जाएगी। फिर उसके बाद ऐसे ये एक वो तितली आसन होता है ये वाला करिए। हाँ जी कराते हैं बटरफ्लाई आसन। हाँ बटरफ्लाई कराते हैं गुरुजी। हाँ वही लोग कह रहे हैं, तो जो गुरुजी हैं वो भी हम भी वही है ना। हाँ, एक ही स्रोत, लाइट तो एक ही स्रोत से आ रही है ना सबकी, गुरु भाई तो है। और जब आप करने लगोगे तो आपकी भी लाइट वहीं से, आपका कनेक्शन जुड़ना है ना पावर हाउस से, पावर हाउस तो वो है ना। ये देखिए ये बटरफ्लाई करिए, ठीक है। उसके बाद अर्ध पद्मासन पहले एक तरफ से लगाइए और बैठिए, जब तक कंफर्टेबल है, जब तक दर्द नहीं होता बैठे रहो, बढ़ाते जाओ धीरे धीरे टाइम। मैंने बताया ना, मैंने 1 मिनट पर मंथ बढ़ाया, फिर इसको आधा इधर से लगा के फिर इधर से लगाओ, ये अर्ध पद्मासन हो गया। उसके बाद फिर पूरा लगा दो, बस सीधा सी सिंपल सी बात है। एक एक्सरसाइज मैं और बताता हूँ आपको, जो मैं अभी आजकल कर रहा हूँ, जो थोड़ी सी ये देखो ये है ना, आप बैठो फिर जब दर्द होने लगे खोल दो। अच्छा फिर खोल के ना फिर दोबारा लगा लो 2-3 मिनट के बाद, फिर दर्द होने लगे फिर खोल दो, बस ऐसे स्टेमिना बढ़ाओ धीरे धीरे, बढ़ जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। कोई घबराने की जरूरत नहीं, कुछ भी
चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से बढ़ेगा, कुछ नहीं करना। जिनके घुटनों में पेन हो, घुटने में पेन हो तो जरा एक बात का ध्यान रखना है कि कई बार ना जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट बैठे हैं उनको भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, जब आपके घुटने का मतलब ये ऐसे होते हैं ना बॉल चलती है तो इसके अंदर मांस भी होता है, झिल्ली भी होती है और हड्डी भी होती है, ठीक है ना, वो कार्टिलेज और उसको मसल्स बोलते हैं उनको। तो जब कहीं आपके घुटने में दर्द हो गया इसका मतलब इंजरी हो गई है, इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन हो गई है, वहाँ सूजन हो गई है। तो उस वक्त जो कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जिससे फ्रिक्शन होती है, जैसे ये है अब यहाँ पहले सूजन है और आप ऐसे कर रहे हो तो फिर तो और आप बढ़ा रहे हो बात को, उस केस में स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करनी चाहिए, रेस्ट देना चाहिए उसको और ऐसे बैठ जाओ, ये ऐसे इसको थोड़ा खींच के ना अंदर रखो, ऐसे इसको ऐसे ऐसे मत करो, कभी भी कहीं भी इंजरी हो गई तो उसको आप ऐसे फ्रिक्शन मत दीजिए, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, समझे ना, कहीं भी किसी भी पार्ट में जो पहले दर्द है। अभी लोगों के ना गला सूज जाता है, कईयों का गला वो नमक के गरारे कहते हैं, वो गर्म है नमक, कैसे आप जख्म के ऊपर नमक लगा रहे हो, कहते हैं आपके मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहा है, तो आप अपने गले पे भी आप नमक लगाते हो तो वो उससे और उल्टा काम खराब होता है। खाली प्लेन पानी के, गर्म पानी के गरारे कर लो, कोसे पानी के, और खाने पीने पे कंट्रोल करो ना। सबसे बड़ी बात तो आपके घर में कोई मेहमान आता है बार बार और आप उसकी खूब सेवा करते तो वो आता रहेगा, आप थोड़ी सेवा करनी बंद कर दो नहीं आएगा, खाना बंद कर देगा तो सर, बुखार। सर एक छोटा क्वेश्चन पूछना था। हाँ सर बड़ा पूछो, जितना मेरे से चलेगा मैं बता दूंगा, जो नहीं होगा तो फिर मैं टाइम ले लूंगा। सर आपने ये बताया वज्रासन, ये उसमें बैठना है जो पद्मासन में, मेरे से वज्रासन में नहीं बैठा जाता, यहाँ पर बहुत पेन होता है, इन्फ्लेमेशन है, मतलब आर्थराइटिस भी बताया डॉक्टर ने काफी, मतलब ये वज्रासन में बैठा नहीं जाता, बहुत करते रहते दर्द होने, पेन होने लग जाता है, आज सुबह भी कर रहा था आसन तो काफी पेन हुआ, अभी मैंने रोक दिया। तो आप ऐसे करो ना, पहले वहां पर उसकी तेल से मालिश करो, उसको जरा अच्छी तरह जैसे वो बकरे को काटना होता है ना, हलाल करते हैं तो पहले उसको खिलाते पिलाते हैं वो, फिर उसको काटते हैं, तो इसको जरा थोड़ी मालिश करो इसकी रात को, जब यहाँ ये तलियों में थोड़ा तेल, यहाँ ये उंगलियों में तेल लगाओ, आपको बहुत बढ़िया नींद आएगी, आप करके देखो जरा। अच्छा ठीक, हाँ बहुत बढ़िया, आप करो धीरे धीरे बढ़ाओ उसको, धीरे धीरे मतलब ये ऐसे थोड़ा मालिश करो इसकी तेल से और फिर करो। लेटने वाले आसन तो हो जाते हैं, पहले योगा करता था, अब एकदम से एक दो साल से बहुत प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर आप जब करते थे तो मेरे हिसाब से तो करते करते तो वो कहते हैं ना, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जनपति हो सुजान, तो उल्टा बढ़ना, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़नी चाहिए ना, ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि फ्लेक्सिबिलिटी घट जाए, हाँ आपकी उम्र बढ़ गई, आपके वीक हो गए पार्ट्स और उसमें आपने ज्यादा कर लिया तब प्रॉब्लम हो थोड़ा खान पान भी। अभी मेरे क्या था, ये मेरे ना इधर साइडों में ना मास बढ़ रहा था, तो मैंने एक एक्सरसाइज शुरू करी तो अब मेरा ना 50% खत्म हो गया 3-4 महीने में, और मैं अभी भी लगा हुआ हूँ, छोड़ता नहीं हूँ मैं। मैं बताता हूँ, आप देखो अपने यहाँ पर कोई पकड़ के देखो, बहुत सारा मास चढ़ा हुआ नजर आएगा, हर एक क्यों आता है यहाँ पर, और इसी से फिर सारा डायमीटर बढ़ता है, पेट का भी सारा कुछ बढ़ता है। तो उसके लिए ये एक्सरसाइज 3 तरीके से हो सकती है, खड़े खड़े भी हो सकती है और बैठ के भी हो सकती है, तो ये पहले मैं बैठ के बताता हूँ फिर खड़े खड़े वाली बताता हूँ। तो ये आप, मैं तो ऐसे करता हूँ, ये पद्मासन लगा के ना मुँह बंद रखना होता है, वैसे आसन करते वक्त जितने ये भ्रुकुटी के बीच में आज्ञा चक्र होता है, आँखें थोड़ी सी बंद करके ध्यान को यहाँ लगाइए, तो इससे आपके दोनों काम होंगे, एक तो आपकी एक्सरसाइज होगी प्लस थोड़ा इधर भगवान की तरफ भी ध्यान लगेगा ना, चक्रासन से फिर सहस्त्रार चक्र में फिर पहुंचते हैं, ये आज्ञा चक्र से, आज्ञा चक्र के बाद सहस्त्रार, ये लास्ट बट वन है, तो यहाँ ध्यान लगा के करिए। अब ऐसे मुट्ठी बंद करिए, देखिए और मुंह बंद रखना है, और इस कोई भी आसन एक्सरसाइज खुली हवा में करना चाहिए, आप अगर कमरे में कर रहे हैं तो खिड़कियाँ दरवाजे खोल दीजिए और बाहर करिए, और अगर उगते हुए सूरज के सामने करेंगे तो और बढ़िया होगा, धूप भी बहुत बड़ी एक नियामत है, जैसे हवा है तो ऐसे धूप भी नियामत है। तो मुट्ठियां बंद करके ना, मुंह बंद करके और नाक से सांस फेंकना है बाहर,
यहाँ पर जिस मांस पे जो ये चोट पड़ रही है तो डेफिनेटली पिघलेगा ना। जब मैं नीचे एक्सरसाइज कर रहा था तो मैं ऐसे मार रहा था ना, तो यहाँ भी मांस बढ़ता है आदमियों का, तो यहाँ भी ये भी मांस यहाँ से फ्लैट होना शुरू हो जाएगा। तो अननेसेसरी एक्युमुलेट होने से बॉडी का वेट बढ़ता है, जो ओबेसिटी कहते हैं इसे, ये बीमारियों की बहुत बड़ी कारण है, मोटापा जिसको कहते हैं। जो आप मोटापा है, आपने घर में अगर एक कुत्ता पाल रखा है तो एक को खिलाना पड़ेगा, दस पाल रखें तो दस को खिलाना पड़ेगा ना। तो जितना वजन बढ़ा रखा है उतनी आपको इसको मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, है ना। मालिश करोगे तो तेल भी ज़्यादा लगेगा, कपड़ा खरीदोगे तो कपड़ा भी ज़्यादा लगेगा, और जब खुदा खास्ता राम नाम सत होती है तो ले जाने वाले भी परेशान होते हैं, कहाँ फंस गए यार, है ना। और फिर वहाँ लकड़ी भी ज़्यादा लगती है, और फिर वहाँ जलने में भी टाइम ज़्यादा लगता है, तो हर जगह परेशानी पैदा करते जा रहे हो। तो मोटापे में बीमारियों का कारण है, मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है बीमारियों का। तो जितना आप अपने को स्लिम ट्रिम रखेंगे, आप अन्न की मात्रा घटा दीजिए, फ्रूट्स और सब्जियां और सलाद खाइए, पेठे का जूस पीजिए। वो तो गुरुजी ने बता रखा होगा, पेठे का जूस है, नारियल पानी है, अब अभी गाजरें शुरू हो जाएंगी, गाजर का जूस पी लीजिए, मौसमी का जूस पी लीजिए। वैसे फ्रूट्स का जूस वो पीना चाहिए जो आप खा नहीं सकते, जो खा सकते हैं उसका जूस नहीं पीना चाहिए। आप संतरा खा सकते हैं तो संतरे का जूस क्यों पीते हैं, आप अपने खाइए उसको, थोड़ा रफेज भी जाने दीजिए, और अन्न की मात्रा थोड़ी कम कर दीजिए। अन्न जो है वो ले भी होती है, हमारे पंजाबी में ले ही बोलते हैं उसको, चिपकाने के किताबों में जिल्द नहीं चढ़ाते थे बचपन में, वो ले ही से बनती थी। तो आटे के अंदर स्टार्च होता है, ये चिपकने का काम करता है, तो ये खुद भी चिपकेगा और गंदगी को भी चिपका लेगा। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, रॉ वेजिटेबल्स पर्टिकुलरली, इनके अंदर फ्लशिंग नेचर होता है, ये मतलब गंदगी, ये बाहर जल्दी निकलते हैं, तो जब खुद भी निकलते हैं और साथ गंदगी को भी निकाल ले जाते हैं। तो आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इकट्ठे नहीं लेने आपने, ये ध्यान रखना, वेजिटेबल्स का अलग टाइम लीजिए, फ्रूट्स का अलग टाइम होना चाहिए। और रोटी खाने के बाद कभी मीठा नहीं खाना बिल्कुल, और रोटी खाने के बाद फ्रूट भी नहीं खाना। मैं कारण बताता हूँ क्यों। मैं जब गुरुजी के पास गया था, मैं कहा जी मेरे को तो बड़ी हुआ है, मैंने तो अपने सारे दांत घबरा दिए मीठे के चक्कर में, मैं तो बहुत खाता हूँ, मुझे तो रोटी के बाद मीठा पहले चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया था, आप एक ना वो खजूर खा लिया करो, एक दाना खजूर का खा लिया। आप यही चाहते हो ना कि थोड़ी वो मिर्चें लगे मुँह में, थोड़ा मीठा स्वाद आ जाए, तो एक खजूर का दाना खा लीजिए, बस उससे काम हो जाएगा आपका। वो नेचुरल चीज़ है, उसके कोई नुकसान नहीं है। सफ़ेद चीनी बिल्कुल जहर है, आप सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए, आज से ही बंद कर दीजिए, और चाय कॉफ़ी बिल्कुल बंद कर दीजिए, कोल्ड ड्रिंक बंद कर दीजिए, आधे बीमारी तो आपकी वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। अब चीनी इस्तेमाल की बजाय आप गुड़ बगैर मसाले वाला यूज़ करिए, या आप खांड, देसी खांड, अगर प्योर खांड मिलती है तो। नॉर्मली खांड में बड़ी हेरा फेरी होती है, खांड की जो शक्ल सूरत है ना और दूसरी खांड में फ़र्क बड़ा मुश्किल होता है पहचानना, और खांड का जो प्रोसीजर है बनाने का वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि खांड उस भाव में, जिस भाव में बाजार मिलती है, वो बन ही नहीं सकती, मिल ही नहीं सकती। वो कितनी बार उसको क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ता है, छान छान के उसको बनाते हैं। खांड का प्रोसीजर बहुत टेढ़ा है बनाने का, बहुत मुश्किल है। तो खांड इस सस्ती मिलती नहीं है, तो खांड के बजाय आप सीधा गुड़ बगैर मसाले वाला इस्तेमाल करिए। लाल पीला गुड़ मिलता है बाज़ार में, वो मसाले वाला होता है, जो थोड़ा ब्राउन कलर का होता है, ज़्यादा गुरु जी के यहाँ मिलता है वो होता है। और सोर्स ठीक होना चाहिए ना आपका। अब आप इनके यहाँ जो चीज़ खरीदेंगे, जो इतना कुछ कर रहे हैं समाज के लिए, वो मिलावट तो कभी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना, कभी नहीं करेंगे, सोचेंगे भी नहीं, करना तो दूर की बात है, सोचेंगे भी नहीं। लेकिन मैं हैरान होता हूँ, अभी कोरोना के पीरियड में 50,000 रुपये का छोटा सिलेंडर जो था, 50,000 रुपये में मिलता नहीं था कहीं भी, ये हालत थी, मतलब इतनी बुरी हालत थी। और जो इंजेक्शन और दवाइयाँ थी ना, वो भी डुप्लीकेट बिक रही थी। मुझे समझ नहीं आती वो कैसे लोग सोच लेते हैं दवाइयों को डुप्लीकेट बनाना, वो इंजेक्शन को डुप्लीकेट बनाना, और मतलब मैं हैरानी की बात है। तो सोर्स आपका ठीक होना चाहिए। अब जैसे पतंजलि वालों का खरीदो, अब मैं उनका रेट वगैरह जो भी है वो अलग बात है, हर आदमी का अपना स्टैंडर्ड होता है मार्जिन का। अब वो हवाई जहाज़ से ट्रैवल करते हैं, उन्होंने प्राइवेट अपना हवाई जहाज रखा हुआ है, तो नेचुरली मार्जिन तो वहीं से निकलेगा ना। लेकिन वो बेईमानी नहीं करते, इतना मेरा दिल कहता है कि वो बेईमानी नहीं करते होंगे, वो मिलावट नहीं करते होंगे। तो ऐसे आप सोर्स आपका ठीक होना चाहिए और चीज़ों का ठीक चयन होना चाहिए। आज के बाद चीनी बिल्कुल बंद। मेरे घर में कभी कभी खीर बनाते हैं तो मैं मना करता हूँ, मैं कि मेरे लिए आप अलग निकाल दो, मैं गुड़ डालूंगा।
लेकिन आप ये ध्यान रखना कि गुड़ अगर आप डालें तो ऊपर नहीं डालें कभी भी, नहीं तो फट जाएगा दूध, फट जाएगा। जैसे खीर बना रहे हो तो आपने ऊपर डाल दिया गुड़ तो दूध फट जाएगा, आप उसको नीचे उतार के बाद में डालिए। आप इवन चाय कॉफ़ी में भी अगर आपने डालना है तो ऊपर डालेंगे तो वो फट जाएगा, नीचे डालेंगे तो नहीं फटेगा। वो इसका एक ध्यान रखने वाली बात है। तो वैसे तो दूध की रिक्वायरमेंट, दूध की भी रिक्वायरमेंट नहीं, दूध पीना तो सारे छोड़ दो। दूध को पहली बात तो दूध की क्वालिटी ठीक नहीं मिलती। कहते हैं जी हम तो सामने चुहा के लाते हैं। अरे सामने चुहा के लाते हो ना तो वो गाय को क्या खिलाया उन्होंने, भैंस को क्या खिलाया, आपको क्या पता कौन सा इंजेक्शन लगाया, वो आपके सामने थोड़ी लगाएगा। तो जब वो उसका रॉ मटेरियल ही ठीक नहीं है तो प्रोडक्ट कहाँ से ठीक आएगी। कहने हम दही इस्तेमाल करते हैं, मैं दही, दूध जब ठीक नहीं है तो दही कहाँ से ठीक होगी। तो उसमें सबसे बेस्ट है पेठे का जूस, नेक्स्ट है नारियल, नारियल पानी, उसके बाद फिर ये फ्रूट का जूस वगैरह, उसके बाद छाछ। दूध में अगर प्रोडक्ट है तो छाछ है, सिर्फ बस छाछ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध नहीं इस्तेमाल करें। बाकी आप हर एक की अपनी मर्जी है। जैसे हैं जी, हाँ दूध से बनेगी, लेकिन छाछ नॉर्मली उन्हीं के घर में बनती है जहाँ जो गाय अपनी रखते हैं, अपने जो पालन करते हैं। बाजार से जाकर के छाछ नहीं, उसको लस्सी कहते हैं, मदर डेयरी की आती है। हैं जी, और मदर डेयरी का मैं इतना इतनी मेरी इतनी डीप नॉलेज नहीं है। मैं, मेरे को तो क्या होता है, मेरे यहाँ ना एक लड़की काम करती है, वो गाँव में रहती है, तो वो सैटरडे संडे, हमारे यहाँ सैटरडे ऑफ होता है, तो वो सैटरडे को जाती है तो वहाँ से वो एक बड़ी बोतल भर के ले आती है, मुझे दे देती है छाछ। मैं तो वही पीता हूँ बस, मैं नहीं, मैं लस्सी घर में बनती है मैं नहीं पीता हूँ, ना मैं दूध पीता हूँ। मैंने 20-25-30 साल से दूध कभी नहीं पिया और आपके सामने हूँ। मेरे को पिछले कोरोना से पहले मैंने 20 साल डेली अप डाउन किया है। बॉर्डर टाउन से ये हीरो होंडा चौक पे मेरी फैक्ट्री है, मैंने डेली अप डाउन किया है 20 साल और मैं खुद गाड़ी चलाता था। अब आप लगा लो हिसाब, और मैंने कभी दूध नहीं पिया 25-30 साल से। तो कोई दूध ऐसी चीज़ नहीं है, कोई नमक, दूध पे हर दूध पे माँ का हक, माँ के दूध पे बच्चे का हक होता है पहला। हम उसको तो मुंह पे बांध देते हैं वो, और उसको लास्ट में छोड़ते हैं, जो वो सारा दूध निकाल निकलने के बाद छोड़ते हैं उसको, तो मुंह मार मार के निकालता है, थोड़ा बहुत दूध उसके पल्ले पड़ता है, हम तो उसका हक छीन रहे हैं। और इसी तरह हमारे गुरुजी तो शहद के लिए भी मना करते थे। शहद जो होती है वो मक्खियों की वो लार है, तो हमारे गुरुजी ने शहद के लिए भी कभी नहीं कहा कर इस्तेमाल करने के लिए। हाँ जी, आप बहुत मुश्किल सवाल मत पूछना क्योंकि मैं भी आपके स्टूडेंट ही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, वो कर सकते, स्टंट की बात जहाँ तक है आप करके देख लीजिए ना, एक दो मिनट में तो कुछ भी नहीं होने वाला, ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। उसको धीरे धीरे बढ़ाइए, अगर आपको वहाँ पेन फील होता है तो अब आप रुक जाइए, और अगर आप कंफर्टेबल कर सकते हैं तो करते रहिए। यस, हैं जी, दांतों की एक्सरसाइज, दांतों की एक्सरसाइज तो वो तो खाने पीने से संबंधित है, वैसे उसका ज़्यादा एक्सरसाइज आप, हम जो भोजन कहते हैं ना चबा चबा के खाओ, भोजन को इतना चबाओ कि वो लिक्विड बन जाए, और लिक्विड को ऐसे पियो जैसे सॉलिड को खा रहे हो, तो उससे उससे क्या होता है, दो बातें होती हैं, एक तो जो फूड है उसकी अच्छी तरह से पिसाई हो जाती है, तो जो दांतों का काम आंतों को नहीं करना पड़ता। दूसरी बात, भूख दो तरह की होती है, एक होती है कि पेट की भूख शांत होती है, एक होती है आंखों की भूख। जब हम शादी ब्याह में जाते हैं ना तो वो 10-15-20 चीज़ें वहाँ लगी हुई देखते हैं, तो और तो छोड़ो मीठा भी कम से कम 4-5 तरह का पड़ा होता है, तो थोड़ा थोड़ा कहते हैं यार सभी, इसको भी चख लेते हैं, इसको भी चख लेते हैं, इसको भी चख लेते हैं, करते हैं ना, वो होती है आँखों की भूख। एक होती है मन की भूख, एक जब आप भोजन को चबा चबा के खाएंगे, एक तो आपकी वो लार उसके साथ लग गई, एक उसकी जो चर्निंग उसकी पिसाई हो गई तो अंदर पिसाई में दिक्कत नहीं होगी, और दूसरा आपकी तृप्ति होगी, आंखों की तृप्ति होगी कि भाई आपको तसल्ली होगी यार मैंने खा लिया, भर पेट खा लिया, क्योंकि ज़्यादा देर जितनी देर चबाते रहेंगे तो उतनी वो ज़्यादा उसकी वो होगी ना, और प्लस आपके मसूड़ों की एक्सरसाइज होगी। और दांतों को साफ रखिए, नीम का दातन करिए, और ये जो जो फॉरन वाले जो
कोलगेट है ना, उससे दो नुकसान होते हैं, एक तो वो अपने अपने दांतों का सत्यानाश कर लेते हैं, दूसरा हम फॉरेन एक्सचेंज बाहरले मुल्कों में जाता है पैसा हमारा सारा, जितनी भी ये कंपनियाँ हैं सब बाहर की कंपनियाँ हैं। अभी मैंने आपको बताया शेविंग क्रीम 90% शेविंग क्रीम जो है वो बाहर की कंपनियों के हैं, तो आप जब अपना तेल से जब शेव करेंगे तो फिर आपको वो सारी फॉरेन एक्सचेंज बचेगी ना। अब जरा सा दिवाली पे वो पटाखों की बार आपकी बार कम हुए तो चाइना को लूज मोशन लग गए, उनको मतलब इतना हाल खराब हो गई, जब तो फॉरेन एक्सचेंज के हमारी जो कंट्री के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो हम जब ऐसी सेविंग करते हैं, अब को जी मेरे अकेले करने से क्या होता है, अरे अकेले करने से होता है ऐसे, सब एक एक करते सब होता है ना, आप धीरे धीरे सब ऐसे करना शुरू, सभी यही कहना शुरू कर देंगे वो मैं हम हमारे वो एक तालाब वाली कहानी सुनी होगी ना आपने, एक तालाब बताओ उसमें पानी दूध अब एक गिलास दूध का सब डाल दो, तो एक आदमी ने सोचा यार मैं एक गिलास पानी का डाल दूँ तो मेरे से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उसने एक गिलास पानी डाल दिया, ऐसे सब ने सोच लिया तो दूसरे दिन वो पानी का भरावा मिला था। सब सोचेंगे तो सब सोचें उसी तरफ सोच बदलेगी ना, आप करेंगे आप 10 को और बताएंगे, 10 वाले आगे और 10 को बताएंगे तो बढ़ती चली जाएगी बात। तो आप उसको नीम का दातन करिए, बबूल का दातन करिए और वो जो भोजन को अच्छी तरह चबा चबा के खाइए तो दांतों की एक्सरसाइज होगी, और शाम को रात को जब सोने लगते हैं तो ज़रा खाली ब्रश से उसको कर दीजिए साफ, ताकि अंदर कोई वो गंदगी वगैरह ना रहे, क्योंकि तो रात को जो 12 घंटे 8 घंटे आप 6 घंटे सोएंगे तो वो डिके होगा ना अंदर, सड़न होगी उसकी। और किसी दांतों का पूछ रहे थे, और क्या पूछ रहे थे, कानों का बारे में भी, एक्चुअली सारी बॉडी ना वैसे देखा जाए तो अलग अलग पार्ट्स हैं लेकिन एक भी है, तो आप अगर सारा सेवन करते हैं जैसे पेटे का जूस पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं, तो आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है, ब्लड से फिर सारी आपकी बनती है, बॉडी बनती है, सब चेहरे पे भी ग्लो आएगा, बॉडी पे भी ग्लो आएगा, आपके जो ये पसीने के पोरस भी खुले रहेंगे, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। तो बेसिकली तो स्टार्ट होता है काम पाचन से। खून का देखिए दौरा कैसे होता है, खून हार्ट से शुरू होता है। अभी मैंने यूं एक्सरसाइज करी थी नहीं खाई, इसका मैंने बीच में छोड़ गया, मैं इसको करने के बाद ना फिर ये ऐसे ओम ओम मुद्रा प्रणव मुद्रा बना करके अभी देखिए ये जो एक्सरसाइज हो रही है ये लंग्स की भी हार्ट जो सांस का कनेक्शन लंग्स से है ना, ये वहाँ से सांस आ रही है जा रही है तो उसकी एक्सरसाइज हो रही है, आपके लंग्स स्ट्रांग हो रहे हैं, लंग्स जो ऑक्सीजन लेते हैं वो फिर हार्ट को देते हैं, हार्ट वहाँ ऑक्सीजन खून को साफ करती है फिर वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड बना के फिर वापस देती है, तो जो खून बना यहाँ साफ हुआ या बना वो सारे शरीर में फैलता है। तो पहले तो जो नसें हैं वो आर्टरीज कहते हैं जिनको, वो चौड़ी चौड़ी हैं, बड़ी बड़ी हैं, उसके बाद वो यहाँ पैर के नाखून तक आती हैं और सिर की चोटी तक जाती हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं तो वो उनका साइज छोटा होता चला जाता है, और जो लास्ट वाली होती हैं उनको कैपिलरीज बोलते हैं, वो बाल जितनी मतलब इसकी मोटाई इतनी होती है बाल जैसी, तो इसमें से गंदा खून वापस आता है हार्ट को और हार्ट से फ्रेश खून जाता है। तो जब वो खून गाढ़ा हो गया आपका तो फिर वो कैसे दौरा करेगा, इतनी पतली नली में से कैसे जाएगा, तो जहाँ खून नहीं पहुँचता वहाँ बुढ़ापा आ जाएगा, वहाँ बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी। तो खून का दौरा सही रखने के लिए आपकी सांस ठीक होनी चाहिए, आपका खाना पीना ठीक होना चाहिए, तभी आपका खून बनेगा। कहाँ खून कहाँ से बनता है, वहीं बनता है ना जब वो भोजन वो कन्वर्ट होता है उसमें, वो उसी को वहीं बनता है ना खून, और फिर उसमें से वीर्य बनता है। तो वो अब प्रोसेस में आपका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ही गलत है, जब खून ही ठीक नहीं बन रहा तो आगे का काम कहाँ से ठीक चलेगा, वो बॉडी सारी फिर ख़त्म हो जाएगी। तो बेसिकली वो एक्सरसाइज से आपके फेफड़े खुलते हैं, ऑक्सीजन मिलती है और फिर उससे खून साफ होता है, खून साफ बॉडी में चलता है, चलते फिर जाता है, फिर आता है। कितना बड़ा भगवान ने सिस्टम बना रखा है, आप सोचिए सांस और मतलब फूड की यहाँ पर वो जो सेपरेशन होती है कितना पतली सी झिल्ली है, और अगर वो सांस नली में भोजन चला तो कई बार डेथ हो जाती है, इतना सेंसिटिव सिस्टम है। हम सो रहे होते हैं और रात भर हमारी मशीनरी चलती है, जिस दिन पैदा होते हैं और जिस दिन मरते हैं तब तक वो हमारा हार्ट काम करता है। देखिए आप कितने
भगवान ने कितनी बड़ी करिश्मा बना रखा है, लेकिन हम विश्वास नहीं करते। हम अपनी अपने आप को ज़्यादा तीस मार का समझते हैं, डॉक्टरों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। और डॉक्टर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो टेस्ट, उनको भी उतनी समझ नहीं होती, सबसे पहले टेस्ट लिखेंगे और टेस्ट में सब जगह उनकी कमीशन सेट होती है। मैं 99% लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं कहता कि सारे डॉक्टर, इमरजेंसी में डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हड्डी जोड़नी है तो हड्डी जोड़ने की आज तक कोई दवाई नहीं बनी, हड्डी अपने आप जुड़ती है, खाली उसको सीधा रखना वो एक कलाकारी है, वो एक डॉक्टर का काम है। वो सामने ऐसे सीधी रख देगा, नहीं तो वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रखी जाएगी तो टेढ़ी जुड़ जाएगी, लेकिन हड्डी जोड़ने की कोई दवाई नहीं बनी, सब अपने आप जुड़ती है। बच्चों की हड्डी जल्दी जुड़ती है, बुज़ुर्गों की देर से जुड़ती है, वो उनमें कैल्शियम की कमी होती है, उनका कैल्शियम ज़्यादा होता है। नहीं, बहरापन तो हो गया, तो अब मेरी उतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि नहीं मेरी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो शुरू से बचपन से आप सफाई रखो कान की, तो अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो कान भी ठीक रहेंगे। मतलब वो इंटरकनेक्टेड, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। बाकी मेरी इतनी नॉलेज नहीं है, सच बात है कि वो कान की स्पेशलाइजेशन। अभी वैसे एक वो हुआ था ना, जो सेमिनार जो अभी 18 तारीख को मनाया था, अभी ये जो वहाँ राजघाट पे और वहाँ वो इंटरनेशनल नेचुरोपैथी डे, हाँ इंटरनेशनल जो ना, वहाँ पर एक डॉक्टर आए थे, वो उन्होंने कहा था कि मैं कान का पर्दा बिना ऑपरेशन के बदल देता हूँ। मैंने उनका नंबर भी लिया था, लेकिन उन्होंने नंबर नहीं दिया, मेरा नंबर उन्होंने लिया था, अभी तक फ़ोन आया नहीं। मेरे भी कान में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरे को थोड़ा गम सुनाई देता है, लेकिन वो मेरा तो मैंने बचपन में खुद ही गलत काम करे। हम गाँव में रहते थे, इतनी हमें समझ नहीं थी, वो जो बोर्ड होते थे उसमें नहाए, उसमें गंदगी आ गई तो परवाह नहीं करी, ऐसे मतलब वहाँ डॉक्टर वगैरह भी नहीं होते थे गांव में, बचपन की बात कर रहा हूँ बिल्कुल। तो तब से ही वो थोड़े ख़राब हुए, वो तो सुराख वराख हो गया उसमें बस ऐसे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिनका सारा शरीर ठीक रहेगा कान भी ठीक रहेंगे, लेकिन पहले सारे शरीर को खून का दौरा, कान के पर्दे में भी तो खून जाता है ना, हर जगह पर हर पार्ट में खून जाता है, बालों में क्यों भी नरिशमेंट खून से तो मिलती है ना। जो लोगों के मतलब यहाँ ज़्यादा जल्दी बालते हैं, इसका मतलब उनके वहाँ पर खून की सप्लाई नहीं हो रही प्रॉपर। तो स्वस्थ, पूर्ण स्वस्थ बन जाएंगे आप। आप करिए, आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करिए, देखिए करके। नहीं, मुझे इतनी दूर से सुनाई नहीं दे रहा। क्या मेरे को नहीं सुनाई दिया? नहीं, किसी ने कहा आपसे पूछने के लिए तो पूछा इन्होंने। अच्छा अच्छा, नहीं मैं मेरे हिसाब से मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है, सच बात यह है कि मैं बाकी मैं ऐसा मानता हूँ कि जब आप पूर्ण स्वस्थ हैं तो कोई भी पार्ट आपका खराब नहीं हो सकता। हाँ जी, और आप आज थोड़ा आगे आइए, आगे टाइम कम लीजिएगा, खाना भी ठंडा हो रहा है। हाँ हाँ, आप बोलिए बोलिए। जैसे आपने कहा कि फ्रूट जो है, हाँ, इसको भोजन के पहले लेना चाहिए। पहले नहीं, मैंने बोला भोजन के बाद नहीं लेना चाहिए। हाँ, तो बाद भोजन के फौरन बाद नहीं लेना चाहिए। मतलब बीच में ले सकते हैं? नहीं, बीच में भी नहीं ले, आप तो वैसी बात कर रहे हैं, नहीं बीच में भी नहीं ले सकते। मैं बताता हूँ क्यों नहीं ले सकते। हाँ, फ्रूट जो होता है खट्टा होता है या मीठा होता है, थोड़ा खटास भी रहता है, या खटास होगी या मिठास होगी, तभी आप खाते हैं ना। विटामिन उसमें सी मिलता है, उसमें आपको ग्लूकोस वगैरह मिलता है। हाँ। तो जो मीठा खाते हैं, जब हम मान लो हमने रोटी के बाद मीठा खाया, हाँ, तो जैसे रोटी के खाई तो अंदर वो चर्निंग और प्रोसेस शुरू होगा उसका। अच्छा अच्छा, है ना। तो जैसे मुरब्बा होता है वो मीठे में प्रिजर्व होता है, साल भर पड़ा रहता है ना, 6 महीने पड़ा रहता है तो कुछ नहीं बिगड़ता ना। जी जी, प्रिजर्वेटिव का काम करता है ना मीठा। जी, तो आपने जब वो भोजन किया और साथ में मीठा खा लिया तो वो आपका भोजन प्रिजर्व हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। जी जी, पाचन क्रिया स्लो हो जाएगी। जी, ठीक है। तो कब खाएं हम मतलब भोजन? मैं बताता हूँ, मैं पहले एक सवाल को सुन के, भोजन रोटी के बाद नहीं खाना। इसी तरह से खट्टा अचार खट्टे में प्रिजर्व होता है, तेल में या खटास में। जी, ठीक है ना। जी जी, तो फ्रूट खट्टा होगा तो वो भी आप जब भोजन के बाद खा लेंगे तो वो भी प्रिजर्व हो जाएगा। जी, उसका प्रोसेस ऑफ जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाएगा। जी, ऐसा कहते हैं ठंडा पानी ऊपर से पी लेते हैं, बिल्कुल एकदम ठंडा पानी, या पानी नहीं पीना चाहिए तो भी वो अंदर जो जठार अग्नि जिसको बोलते हैं, अग्नि शुरू हुई ना, जैसे भोजन किया तो अंदर पकना शुरू होता है। जी जी, हमने उस पर ठंडा पानी डाल दिया तो वो उसकी वो जी स्लो हो जाएगी या रुक जाएगी। जी, तो अब आपका दूसरा, तो आपका ये बात क्लियर हो गई।
कि भोजन के बाद मीठा क्यों नहीं खाना चाहिए, खट्टा क्यों नहीं खाना चाहिए, पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? नहीं, पहला सवाल तो आपका ये है ना कि नहीं खाना, मैं तो ये कह रहा हूँ नहीं खाना, नहीं, ठीक, ये बात क्लियर हो गई जी। अब आपका सवाल है कि कब खाना चाहिए जी। हाँ, ये तो जब भी आप हमेशा जो भी एक खाना खाएं उसके दूसरे के बाद जब पहला हजम हो जाए तब दूसरा खाएं ना। अब मिक्सअप करेंगे ना, मिक्सअप नहीं करो चीजों को, वो गड़बड़ हो जाएगा, अंदर वाले जो ऑर्गन्स हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या करें, पहले किसको बचाएं, पहले किसको करें। जैसे सलाद भी खाना है, फ्रूट भी खाना है, और तो अलग अलग टाइम जो है, मैं जैसे करता हूँ, मैं सुबह उठ के सबसे पहले मैं जूस पीता हूँ, पेठे का जूस पीता हूँ जी, जी, ठीक है। उसके घंटे डेढ़ बाद, दो घंटे, जैसा मुझे टाइम होता है, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट मैं कर लेता हूँ अपने शेड्यूल के हिसाब से, उसके बाद मैं सलाद खाता हूँ। अच्छा, भर पेट भर प्लेट, आप याद रखना बात को। और सलाद में चार चीजें खानी है, एक नारियल, नहीं सॉरी, एक खीरा, एक टमाटर और एक गाजर, तीन चीजें ये कंपलसरी हैं। एक आधी और आप डाल सकते हैं, मूली तो, मूली तो, मूली भी खा सकते हैं। मूली में ना कई बार आपके अड़ोसी पड़ोसियों को ज्यादा तकलीफ होती है वो तो अपने को करना है चलो आओ आओ, अगर आप ऐसे ही हैं, आप दूसरों की परवाह नहीं करते और अपनी परवाह करते तो खाओ मूली। हाँ जी, हाँ जी, तो वो आप दूसरों की तो परवाह करनी पड़ती है ना। हाँ जी, ठीक है ना जी। तो उसके बाद आप उनको पानी में सुबह उठ के डाल दीजिए, और एक घंटा डेढ़ घंटा पड़े रहने के बाद उसको निकाल लीजिए, उसको फिर वॉश कर लीजिए गर्म पानी से या रनिंग वाटर में, उसके बाद उसको काट लीजिए। खीरे का छिलका नहीं उतारना, और कोई भी सब्जी छीलने काटने के बाद नहीं धोनी, उससे सारे विटामिन पानी में चले जाएंगे। आप उसको पहले जो धोना है धो डालो, छिलने के बाद नहीं धोना, उसको काट करके और थोड़ा नारियल कच्चा गरी लेकर के उसको ग्रेट करके उसके ऊपर छिड़क लो। और वो अब आपने नमक नहीं डालना उस पर, नींबू नहीं डालना सलाद पे, आप ऐसे चबा चबा के खाइए, खूब खाइए, भर पेट। फिर उसके डेढ़ दो घंटे बाद आप रोटी खा लीजिए, मतलब एक डेढ़ घंटे, एक डेढ़ घंटे गैप दीजिए, फिर आप शाम को ऐसे फिर आप फ्रूट खा लीजिए। ओके, थैंक यू, कोई बात नहीं, फिर मैं भाई जी जब बुलाएंगे मैं तो चला आऊंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास समय होना चाहिए, हमारी तो आदत है बोलने की। माफी चाहेंगे जी, यहाँ पर सभी हमारे छोटी सी एक मिनट, आधे मिनट की एक बात सुनाता हूँ। एक बजे का लंच होता है, 2:15 हो गए हैं, कोई बात नहीं, सभी मरीजों को थोड़ा डाइट मिलनी चाहिए, इसलिए जो थोड़ा मैं 10 सेकंड की एक बात सुनाता हूँ। हमारे गुरु जी के पास एक महिला जी आई, 100+ मतलब एज नहीं, 100+ मतलब वेट, तो हमारे गुरुजी ने उनको आधा घंटा घंटा बताया कि आप ये करो ये करो, ये खाओ ये पियो वो पियो, बता दिया पेठे का जूस वगैरह वगैरह। तो वो एंड में वो हमेशा ये पूछते थे, आपको बात पूरी समझ आ गई ना, तो तब वो कहते हैं हाँ ठीक है आ गई। वो कहती है जी मेरे को बात तो सारी समझ आ गई, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक डाउट है कि ये जो आपने खाने पीने के लिए बताया है, ये मैं अपने रूटीन खाने से पहले खाऊं या बाद में खाऊं? भाई साहब फ्रूट मतलब ऐसे खाना है। चलिए, धन्यवाद जी, आप लोगों ने बड़ा आराम से मेरी बात को सुना, मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद। 2 मिनट की रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ। मैं कई बार जब भी बोलती हूँ तो गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी आप तो देखते हैं अपने गुरुजी को, हम तो आपको देखते हैं गुरुजी की तरह। तो आज ये अब ये कैंप का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, तो इसमें आप भी पंजानी जी आए, तो हमें तो मुझे तो अनुभव हो रहा है कि गुरुजी खुद यहाँ पे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। पहली बार मैं ये कह रही हूँ इनको, पर मतलब ज़रूर, क्योंकि आप भी यहाँ पे आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक्सपीरियंस आपने इतने शेयर किए हैं, बहुत ही वैल्यूएबल, हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और मैं एक ये कहना चाहती हूँ कि भाई अगली बार 2 घंटे से कम आप मत बोलिएगा प्लीज़, पर आपको आना जल्दी पड़ेगा, क्योंकि देख रहे हैं आपको, 2 घंटे कम से कम 2 घंटे बोलिएगा अगली बार। आज भी 1.25 घंटा हो गया। अच्छा, तो अभी कम हुआ है, आज तो कम ही हुआ है थोड़ा सा। एक और कि कई कंट्रीज के ऐसे वो जो होता है कि इकोनॉमी ऐसे कहते हैं कि, या उसका स्टेटस ऐसे कहते हैं कि हेल्थ पे कितना खर्चा कर रहे हैं, तो उसमें भारत पीछे है काफ़ी अमेरिका या जर्मनी या उन सब से। तो हम गुरुजी के शिष्य अगर मिलके, जो मतलब हमारे गुरुजी सब और उनके भाई सब मिलकर अगर ये एक सरकार की तरफ या तो एक रिक्वेस्ट करेंगे या कुछ भी ऐसा कि इसको भी अपनाया जाए, तो हमारी तो खर्चा कितने कम हो सकते हैं, मतलब इस ज्ञान को बढ़ाया जाए, थोड़ा सा इसमें रिक्वेस्ट करना या पहुँचना, ये जानकारी उसमें हम खुद सब, हम जो भागीदार हैं यहाँ पे, वो हम इसमें एक अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं कि जो हमारा जो
हाँ ये भी, और जो ये हमने कैंप में हम आए हैं पहले दिन हमारी क्या क्या बीमारी थी, मैं खुद नोट भी कर सकती हूँ आपकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं या पुरानी कुछ भी हैं बीमारी है मैं भी कर सकती हूँ, एक पेज पे हम पहले दिन की नोट कर लें और एक आखिरी दिन की नोट कर लें, फिर हम उसको कंपाइल करके मिलजुल के सब आप लोग भी इसमें सहयोग करिएगा तो हम एक वो बना लें कि इस कैंप में हमें क्या फ़ायदा हुआ, तो उसको हम गुरुजी को दें और गुरुजी इसको आगे फॉरवर्ड करें कि इससे चार दिन के कैंप से इतना फ़ायदा हुआ, तो ये चीज़ें अगर अपनाएं लोग तो हमारे देश का भी खर्चा हेल्थ के ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो कम हो जाएगा और भी देशों को इससे जरूर और बढ़ेगा, उसका हेल्प मिलेगी कि इतना खर्चा जो सारे देश परेशान है इस हेल्थ के ऊपर खर्चे पे। और एक मैं धन्यवाद करना चाहूँगी उसमें दीप जी और जिन्होंने भी गुरुजी को प्रेशराइज किया कि कैंप ऑर्गेनाइज हो, भले ही किसी भी तरीके से ये मुश्किल हुआ है और जल्दी जल्दी हर काम मैं यहाँ देखती थी इतना दिन में हो जाना चाहिए, दो दिन में हो जाना चाहिए, ये तैयार वो तैयार, जितना आप भी सब सहयोग कर रहे हैं, कैसे भी थोड़ी सी परेशानी भी हो या ठंड भी हो कुछ तो आप कोई उसको परेशान नहीं हो रहे, और यहाँ पे जो भी कर रहे हैं वो अपना पूरा जी जान दे। सेशन शाम का 4 बजे ये फिर ले लें और अच्छे रहे, रुक जाएंगे अभी सर, आए वो दोबारा, दोबारा आएंगे नहीं मुझे।